सो गाइस, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समय लेके गुरुकुल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, विल ट्राई टू फिक्स दैट डाउट्स। ठीक है, वो आपके सारे डाउट्स आप जस्ट फोकस होके 10 मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद सारा समय आपका रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली गाइस, ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप आए हो गुरुकुल के लिए, डेफिनेटली आए हो, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। आप लोगों ने जैसा टेम्पलेट में देखा रहा होगा, तो गुरुकुल है क्या? तो गुरुकुल का मेन एम क्या गाइस, पहले उसको समझते हैं। गुरुकुल का मेन एम है, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, हम सबको पता है कि पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये हमें फिक्स नहीं रहता है, और कब क्या पढ़ना है ये हमें फिक्स नहीं रहता है। तो जो गुरुकुल प्लेटफॉर्म है वो आपको गाइड करता है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इन गुड सत्यांशु, तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बीच में माइक थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। अब देखो, अभी धीरे धीरे सबका एंट्री हो रहा है। मैं जूम मीटिंग पे कभी कभी लेता हूँ। जूम मीटिंग में क्या रहता है कि ऑटोमेटिक आप ऐड हो सकते हैं, बट क्या बोलते हैं उसको, कई लोग फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं लिंक को कैसे ज्वाइन करना। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं गुरुकुल, जो अपना 4 महीने का ये प्लेटफॉर्म है। इसमें गाइस क्या होता है, इसमें आप, मेरे कई ओल्ड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं आपको कुछ एवरी डे पर प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, उन प्रैक्टिस के बेसिस पर मींस आपको मैं रेडी करता हूँ फॉर इंटरव्यू। ठीक है, और बीआईएम के लिए अगर मैं स्पेशली बोलूँ, तो बीआईएम में मैं जितनी ट्रेनिंग आपको करा दूंगा 4 महीने के अंदर, दैट इज 100% सफिशियंट टू क्रैक एनी बीआईएम इंटरव्यू। ठीक है, इसका मैं फॉर श्योरिटी लेता हूँ। कई बार आप लोगों ने वीडियोज में देखे होंगे, अगर आप रेगुलर वीडियोज देखते हैं तो बीआईएम के ट्रेनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कब किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, उसको मुझे मिनिमम मुझे 4 महीने, कभी कभी 4.5 महीने लग जाता है, कभी कभी 5 महीने भी लग जाता है। अगर आप 4 महीने का मिनिमम समय हमको दे दिए, स्टार्टिंग के 2 महीने से 2.5 महीने में मैं आपको रेडी कर दूंगा किसी भी बीआईएम के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। कैसे रेडी करता हूँ, इसमें हर हफ्ते मीन्स हर वीक आपका मॉक इंटरव्यू होता है गाइस, जिसमें जैसे अभी मैं आपके सामने हूँ, ऐसे क्वेश्चन आंसर हर एक बच्चे का इंडिविजुअल आपका मॉक इंटरव्यू होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा, आज के मॉक में सपोज मैंने एक बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछा, 30 बच्चे होते हैं तो 60 क्वेश्चन निकल के आ गए एक हफ्ते में। 60 क्वेश्चन, तो एक महीने में कितने क्वेश्चन हुए, लगभग 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 महीने में आप सोचिए, लगभग 1000 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। इंटरव्यू जो पूछने वाले हैं वो कितना बड़ा एक्सपीरियंस आपने ले लिया इसी गुरुकुल के अंदर, मींस आपके पास पूरा नॉलेज हो जाता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है आने वाले इंटरव्यू में, क्योंकि 4 महीने में 1000 क्वेश्चन, और 1000 क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक आपका बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा चीज क्या होता है गाइस, किसी भी एमएनसी के अंदर मॉक इंटरव्यू के साथ साथ एमसीक्यू टेस्ट भी होते हैं। एमसीक्यू टेस्ट भी यहाँ पर हम आपको तैयार करा देते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। बीच बीच में आपके एमसीक्यू के भी टेस्ट होते हैं, और अभी हमने कई इंटरव्यूज में क्या हो रहे हैं, रिटन टेस्ट भी स्टार्ट हो गया। तो जैसे कोई टेस्ट मार्केट में स्टार्ट होता है, गुरुकुल सबसे पहले उसको अपडेट करता है। तो गुरुकुल किसी सिलेबस को बहुत ज्यादा नहीं मानता है, गुरुकुल का मानना है आप आए हो तो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे जहां लगेगा कि आप यहाँ पर वीक हो, वहां के लिए मैं आपको अलग से बोलूंगा, भाई आप इसको पढ़िए। अगर आपका बेसिक्स वीक है तो हम बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिस भी एंगल से मुझे लगता है कि यार यहाँ थोड़ी सी कमी बाकी है, ठीक है, वो हम आपको परफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक साथ 100-200 लोगों को नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये है स्पेशल ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो इसमें फिक्स 30 स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर नूर है तो नूर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, अजीम है तो इनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ये हमसे इंडिविजुअली पूछ भी सके कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा मेरी आवाज गड़बड़ आ रही होगी, जुकाम हुआ है तो मैनेज कर लेना, तो कैसे आपको पढ़ना है वो पूरी ट्रेनिंग में आपको समझा दिया जाता है गाइस। फिर हाल आप लोगों को भी दिमाग बताओ, अगर सर सिलेबस क्या पढ़ाएंगे तो मैं आपको सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। मेरे टीम में से अंकित है, अंकित वो व्हाट्सएप ग्रुप जो नया इन जनवरी बैच की इंक्वायरी बैच है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देंगे तो मैं उसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जिससे। तो गाइस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम इसमें पूरा का पूरा आपको इसमें ट्रेनिंग दे देते हैं इस 4 महीने में। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू, तो चलो एक अच्छी चीज हो गई, मॉक इंटरव्यू के साथ इंटरव्यूज में कैट टेस्ट होता है। कैट टेस्ट मतलब होता है कि आप जाएंगे, आपको एक ड्रॉइंग दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर समय दिया जाएगा, उस समय में उस ड्रॉइंग को बनानी होती है, तो उसको बोलते हैं कैट टेस्ट।
कुछ कंपनी हम उसको बोलते हैं टूल टेस्ट, ठीक है। जैसे कि रैबिट फैमिली है, तो रैबिट फैमिली में सपोज आपको दे दिया उन्होंने कि एक ब्लेड बनाना है, ठीक है। तो ब्लेड ब्लेड मतलब वो दाढ़ी वाली ब्लेड मत समझ लेना, ब्लेड मतलब MEP की जो ब्लेड्स होती हैं, जो एक्सेलेटर डिफ्यूजर के लिए यूज करते हैं, तो वो ब्लेड्स बनाना है, तो उसकी रैबिट फैमिली कैसे बनाएंगी। मैट फाउंडेशन है, तो उसकी फैमिली कैसे बनाएंगी। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जो रैबिट फैमिली के अंदर बनती हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पर सीखोगे। इसके बाद इंटर, आप लोगों ने अगर आज का पॉडकास्ट देखा होगा तो बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला हुआ है कि सर पॉडकास्ट, ओ सॉरी, आपका पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है BIM इंटरव्यू के लिए। आप सबको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स में आज के टाइम में मार्केट में जॉब की कमी है, बट BIM में जॉब की कहीं से भी कमी नहीं है। अच्छा से अच्छा अगर पोर्टफोलियो आपने बना लिया, अच्छा सा रिज्यूम बना लिया, अच्छा सर पोर्टफोलियो और रिज्यूम के साथ कवर लेटर बना लिया, आप समझिए आप जॉब के लिए एलिजिबल हो, इतना जॉब है। अब बोलो सर BIM में इतनी जॉब है, स्ट्रक्चर में कम क्यों है, या फिर BIM में इतना पैकेज मिल रहा है। आपने अभी देखा होगा कल 5 लाख का पैकेज लगा आपके एक सीनियर स्टूडेंट का, क्या नाम था, शुभम, ठीक है, शुभम का बहुत अच्छा पैकेज लगा। तो कैसे स्ट्रक्चर में वो चीज नहीं लग रहा, BIM में इतना अच्छा क्यों लग रहा है सर। क्योंकि BIM में मैक्सिमम कंपनीज फॉरेन की है, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स को इंडिया में कर रही है, तो उनको लेबर कॉस्ट ऑलरेडी सस्ता पड़ता है, तो वो आपको अच्छा पैसा ऑफर कर पाती है, प्लस उनका टर्नओवर ज्यादा होता है, तो उनको पैकेज भी ज्यादा देना होता है। इसीलिए BIM में पैकेज ज्यादा है, BIM में आपको कैरियर का, फिलहाल हम ट्रेनिंग तो आपको स्ट्रक्चर्स की भी कराते हैं, BIM की भी कराते हैं, बट BIM क्या करंट मार्केट है, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि देखिए भाई अगर करंट बेस पे देखा जाए और आने वाले 10-15 सालों तक देखा जाए तो BIM बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी तक BIM केवल बिल्डिंग इंडस्ट्री में था, अब ब्रिज में भी आ रहा है, बहुत जल्दी अलग अलग, जैसे मेट्रो में तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका ग्रोथ देखते बन रहा है, ठीक है। इसमें मेनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसमें मेनली गाइस हम लोग सॉफ्टवेयर सीखेंगे अपना ऑटोकैड से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है किसी को थोड़ा सा आता होगा ऑटोकैड, मान लो किसी को थोड़ा रेविट आता होगा, बट मेरे लिए ट्रेनिंग में सब बराबर है, इसलिए ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑटोकैड मतलब लाइन कमांड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोकैड भी हमारा थोड़ा अलग रहता है, जिसमें बिल्डिंग बाय लॉ है, रेरा के रूल्स है, वास्तु है, इस तरीके का ऑटोकैड होता है, समेशन ड्राइंग है, चेकलिस्ट है, तो हमारा ऑटोकैड थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ऑटोकैड पहले सीखेंगे हम लोग, फिर रैबिट आर्किटेक्चर सीखेंगे, फिर रैबिट स्ट्रक्चर्स, फिर रैबिट MEP, फिर नेविस वर्क, फिर टेक्ला, फिर उसके बाद स्केचअप और 3ds Max। इन सब के बीच में आपको इंटरव्यू के पूरे गाइडलाइंस दिए जाएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बेसिक्स लाइक कॉलम का बेसिक्स, बीम का बेसिक्स, फुटिंग का बेसिक्स, स्लैब का बेसिक्स, उसमें कैसे रेनफोर्समेंट कैसे रेनफोर्समेंट लगाएंगे, उसका बेसिक्स सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस क्या बोलते हैं, आपके LODs हैं, LOD 100 क्या है, 200 क्या है, LOD 300 क्या है, 350 क्या है, 400 क्या है, 500 क्या है, उसके बाद 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D क्या है, फिर स्कैन टू बीम का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट क्लाउड क्या है, रीकैप क्या है, ये सारा इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे। तो ओवरऑल अगर मैं आसान शब्द में बता दूं, तो जो कुछ भी इंटरव्यू के लिए लगेगा, आप BIM की जॉब सर्च करते हो ना, नीचे लिखा आता रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट में जो जो रिक्वायरमेंट रहेगा आपके सिलेबस में वो सब कुछ इंक्लूड है। इन केस कभी कुछ इंक्लूड नहीं भी रहा तो इमीडिएट वो इंक्लूड हो जाएगा, ये मेरी कमिटमेंट होती है। तो आपको जैसे कि टेक्ला सीखेंगे तो उसमें GA ड्राइंग है आपका, GA ड्राइंग के साथ जैसे कि आपका सिंगल पार्ट ड्राइंग है, असेंबली ड्राइंग है, ठीक है, बोल्ड की ड्राइंग है, शॉप ड्राइंग पूरी कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब आप टेक्ला में सीखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपका रेवी स्ट्रक्चर्स में आप वेयर हाउस कैसे बनाओगे, कनेक्शंस कैसे दोगे, कनेक्शंस में कितने टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स। तो एक वर्ड में बोलूं तो बीम के लिए आपको परफेक्ट करने का पूरी गारंटी मेरी है, बट ये उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जो 80% से ज्यादा अटेंडेंस देंगे। 80% से कम अटेंडेंस है आपको हम नहीं लेंगे, पहले से क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको एडमिशन भी नहीं लेना चाहिए, भी क्लियर कर दे रहे हैं, 80% आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा और 5 घंटे मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 घंटे नहीं है, 80% अटेंडेंस नहीं दे सकते हैं, तो आप इस में बहुत क्लियर इंसान हो जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट को पता है, तो फिर आप इस ट्रेनिंग में मत आना, क्योंकि
क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, मुझे खुद बुरा लगेगा, ठीक है। जिसमें से 1.5 घंटे मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ, ठीक है, जिसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 7 to 8:30। उसके बाद 1.5 घंटे आपको रिकॉर्डेड बेसिस पे देखना पड़ता है, और उसके बाद 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, रिकॉर्डेड और प्रैक्टिस। आप किसी भी फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हो, लाइव के लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। मॉर्निंग 6 7 o'clock से 8:30 आपका बैच रहेगा, और बीच में आपको कुछ भी पूछते हैं तो ग्रुप में हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एक दूसरे की खुद ही हेल्प करेंगे, आपको कुछ भी लगेगा तो एक तरीके से कम्युनिटी बन जाएगी आपकी, कुछ भी हेल्प चाहिए तो लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो इस तरीके से ये पूरी ट्रेनिंग होती है। अब कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन उमड़ रहे होंगे कि सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैंड रेज करके ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग प्रेस कर लेना, तो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा कि क्या बोलते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको, ठीक है। तो हैंड रेज कर लेंगे, एक साथ पूछोगे तो किसी का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूँ सिलेबस का आपको। फिलहाल ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट बॉक्स में आपको मिला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर इसको ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको मैं सिलेबस तो भेज ही दूंगा, ओल्ड स्टूडेंट के पास होगा ही, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। नहीं बोलेंगे सर वेबिनार भी ज्वाइन किए सर का, सर ने दिखाया भी नहीं कि क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग जो पढ़ने वाले हो, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्लास टाइम, ठीक है, अंकिता मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, भाई दिग्विजय जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त आपको जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में पहले से आपका सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का सिलेबस है, जिसमें आपको ऑफिस जॉब दिलाने का पूरा एम रहता है हमारा। उसके लिए जो जो लगेगा वो सारा मेहनत मैं करने के लिए हमेशा रेडी था हूँ और रहूंगा। मेनली सिलेबस की बात करें तो मेनली सिलेबस आपका गैस ये है, जिसमें ऑटो कैड है, रेविट है, एनएबीएस वर्क है, स्केचअप है, 3ds Max है, टेक्ला। अब मैं छोटे छोटे जो प्लगइन्स हैं उनके उन यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ, जैसे कि इनस्केप है, वी रे है, वो सब द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। रीबार का एक प्लगइन होता है, वो सब मान लीजिए कि इसके अंदर ही है, ठीक है। और मेरा मेन टारगेट क्या रहता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर दिया जाएगा इस, क्योंकि कई बार कैसे होता है कि हम इंटरव्यू में जब कॉन्फिडेंस नहीं बोलते तो सामने वाले को लगता है यार इसको रखूं, काम हमारा होगा कि नहीं होगा। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर देना फॉर अ मिनट, उसके बाद आप ऑन कर लो। फोकस ऑन ईच एवरी स्टूडेंट, मेरा यही हमेशा सेम रहा है कि सब पे फोकस करके ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। मेरा काम है डेली आपको टास्क देना, डेली आपके टास्क को चेक करना। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, और मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इंटरव्यू की पूरी गारंटी मेरी है क्या पूछेंगे, बट उन्हीं के लिए और उन्हीं को मैं अपना स्टूडेंट मानता हूँ जो 80% से ज्यादा अपना अटेंडेंस सबमिट करेंगे, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया, दैट इज डजंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मैटर करता है 80% से ज्यादा आपका प्रेजेंट होना क्लास के अंदर, तभी आपको मैं स्टूडेंट मानता हूँ। वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, उन सभी को जो लोग मेहनत करेंगे, 80% के ऊपर अटेंडेंस देंगे, टास्क सबमिट करेंगे, और क्रैक कैसे करना है इंटरव्यू, सारा कुछ मैं गाइड करूंगा, ठीक है। क्या करने वाले हैं ये आप घर पे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली टास्क दूंगा, डेली चेक करूंगा, करते ही हूँ। डेली आपको वीडियो मिलेगा, डेली आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, HR राउंड, टेक्निकल राउंड, MCQ राउंड, कैट टेस्ट, सारी प्रिपरेशन करने का काम मेरा है। एक जनरल ओवरव्यू था ये, एक डेप्थ सिलेबस ये है, ठीक है, ये आपका डेप्थ सिलेबस है, ये भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, जिसमें ऑटो कैड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रेबिट में क्या पढ़ेंगे, रेबिट के बाद हम लोग टेक्ला में क्या पढ़ेंगे, टेक्ला के बाद हम लोग यहाँ पर नेविस वर्क में क्या पढ़ेंगे, नेविस वर्क के बाद 3ds Max और स्केचअप में क्या पढ़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको ये सब कुछ मिलेगा कि ऑटो कैड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेबिट के, नेविस वर्क के, हर चीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर क्या है BIM का, बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आप अपना फ्रीलांसिंग, मतलब अपना खुद का कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो सब कुछ गाइडेंस मैं आपको अपने तरफ से दूंगा, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं भी रहेगा तो भी उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें कि कंपनी कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे पा सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। चलिए, फिलहाल मुझे पता है आपके जब तक पर्सनल डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए हैंड रेस कर लो, जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है, आपने अपने हैंड रेस कर लो, ऐसे बनाओगे ना पाम करके,
क्लिक कर दोगे तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रज्वल ने किया हुआ है पहले, तो प्रज्वल से स्टार्ट कर देते हैं। यस प्रज्वल, माइक ऑन कर लीजिए दोस्त। प्रज्वल अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप अभी म्यूट होंगे। माइक ऑन करके पूछ लीजिए जो भी आपके प्रश्न हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा हुआ है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश अपना माइक ऑन कर लीजिए भाई। हेलो हेलो, यस प्रज्वल बताइए। सर, आवाज आ रही है क्या सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर मैंने आपसे बात भी किया था, तुम मेरे कैसे सेमेस्टर शुरू है अच्छा हाँ तो फ्यूचर। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। तो बीए में फ्यूचर रहेगा क्या सर? फ्यूचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो मैं पूरा स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि बीआईएम बेस्ट। आज आप जो पॉडकास्ट है देखिएगा, उसमें वो जो बच्चा है 2023 का पास आउट है, आप जहाँ तक 24 के पास आउट रहेंगे, है ना? तो बीआईएम बेस्ट ही है, यस ठीक है। और क्या बोलते हैं, सिर्फ मेरी बात पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए, गूगल पे जाकर डालना चाहिए बीआईएम जॉब्स, फिर देखना चाहिए कितनी जॉब्स है, वहाँ से डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ बहुत अच्छा है, एक्चुअली में अच्छा है, नहीं तो फिर मैं सीधे क्लियर कर देता नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सर। और कोई डाउट है प्रज्वल? और सर ये भी पूछना था, जो क्लास का तो रिकॉर्डिंग मिलेंगे? यस, क्लास का रिकॉर्डेड भी मिलेगा, क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। सर नेटवर्क से आपका क्वेश्चन दब गया, लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बोलिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट थोड़ा प्रज्वल, थोड़ा सा आपका वेट कीजिए सर। नेटवर्क वीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर से आपका माइक ऑन कर देता हूँ, तब तक मैं कुछ और लोगों का ओके क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है? सर। क्या बात है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन पूछा था ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश अपना माइक ऑन करो दोस्त। ओम प्रकाश, चश्मा यार तुम रात में लगाए हो, तुम्हारा माइक ऑन है। सर हाँ जी बोलो। सर मैं बोल रहा सर, टेकला में लाइफ ज्यादा है या बीम में है सर? बीम का एक पार्ट है टिकला, ठीक है? तो नहीं सर, आप, मेरा मेरा दोस्त वगैरह टेकला में ही काम करता है ना सर, इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ। सैलरी टिकला भी अच्छा है। टिकला जो है बीम का ही एक पार्ट है, मतलब जो आप बीम सीखोगे तो उसमें टिकला सीखना ही पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे पेड़ की बात करो या फिर उसके एक अलग शाखा यानी ब्रांच की बात करो, डेफिनेटली दोनों में है। नहीं नहीं समझे सर, शायद यही तुम, पूछ नहीं रहा। समझ पाए तुम, तो मैं समझ गया, तुम कुछ नहीं समझ पाए ना आंसर। देखो टिकला में स्कोप है, यस टिकला में बहुत स्कोप है, बट केवल टिकला सीख के आपका एक लिमिट हो जाएगा कि आप केवल टिकला में काम जानते हो। लेकिन जब बीम सीखते हो तब तो आपके पास रेबिट का भी नॉलेज है, टिकला का भी नॉलेज है, और उसके साथ साथ आपके पास नेविस्वर का भी नॉलेज है, तो आप ज्यादा डिमांड में चले जाते हो एज कम्पेयर टू केवल टिकला। क्लियर हुआ क्या जी सर, प्रश्न? ये हाँ जी सर, ये बात सही होगा। ठीक है, मतलब कैसे होता है, देखो जैसे कि मान लो मैं एक हलवाई हूँ, ठीक है, मैं केवल समोसा बनाता हूँ, एक बात हो गई, लेकिन मैं मिठाई भी बनाता हूँ, काजू कतली भी बनाता हूँ, समोसा भी बनाता हूँ, मैं ज्यादा सैलरी लूंगा कि नहीं लूंगा? मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक तो बस वही चीज यहाँ पर भी है, समझ गए? ओके, ठीक है सर। चलो मनोज, मनोज का कोई डाउट है? मनोज बोलिए। सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर। मैं मतलब 2015 का मैं पास आउट हूँ सर, तब ओ से मैं, हाँ सर, मैं जॉब कर रहा हूँ तब से, बट मैंने पहले साइट पे की थी 3 साल, उसके बाद में मैं मतलब एज ए ड्राफ्टमैन एक कंपनी में काम कर रहा था, मतलब हाँ जो स्ट्रक्चर ड्रिलिंग जैसे करते हैं हाँ उसमें था। उसके बाद में सर मैंने रेविट सीख लिया था, आर्किटेक्चर बेसिक, तो आर्किटेक्चर थोड़ा स्ट्रक्चर भी मुझे आता है, तो अभी भी मैं एक कंपनी में हूँ, उसमें मैं सर मतलब यही सब रेविट के ऊपर 3D मॉडलिंग्स और ये छोटे मोटे जैसे प्रोजेक्ट होते हैं वो, हाँ और उसके अलावा जो BVS BOQ जैसे अपना बनता है वो हाँ सब उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे सर ये BIM मतलब इसका ये पूरा सीखना था। एक्चुअल में मैंने PTS CAD भी देखा था बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, कंपेयर ये जो गुरुकुल है आपका करेक्ट उसके अगर मैं कंपेयर करूँ तो सर मेरे लिए मतलब मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने डिप्लोमा किया है ITI प्लस डिप्लोमा, मतलब हाँ ड्राफ्टमैन सिविल से मैंने ITI किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है, हाँ
मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा सर, क्योंकि अभी मुझे 6-7 साल एक्सपीरियंस हो ही गया है। हाँ चलो, पहली चीज तो ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और सभी प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, बट कंपेयर नहीं करो, क्योंकि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। गुरुकुल मतलब यहाँ पर वो माइंडसेट ही पूरा गाइडेंस वाला है ना, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। चलिए ठीक है सर। अब दूसरी बात, तुम्हारी बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि तुमने ITI किया हुआ है प्लस तुमने डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ जी तो सर, अब तुम्हारा कैसे, तुमको मॉडलिंग बेसिक तो आती ही है, तुम हाँ जी सर, बंगलो वगैरह तो बना लेते होगे, राइट। हाँ जी सर, अब तुम्हारा क्या एम होना चाहिए, हम बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनाएं, उन हाँ जी बड़ी सर, बिल्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर्स का रेनफोर्समेंट वगैरह कैसे लगाएं, हाँ उसकी जी सर, BBS कैसे फाइंड करें, हाँ जी क्लैशिंग सर, कैसे चेक करें, कोई MEP का पार्ट किसी कॉलम में क्लैशिंग तो नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा ओके टारगेट होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो ये सब तुम इस 4 महीने में डेफिनेटली सीखते हो। हाँ स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार तू ऑटोकैड तो मुझे आता है, बट हाँ क्या बोलते हैं, सीखना तो पूरा स्टार्टिंग से ही है, नहीं बिल्कुल ठीक है। सर, हाँ तो गुरुकुल का पूरा ऐसे ही कि इसमें मतलब स्टार्ट से गाड़ी चलेगी लास्ट तक गाड़ी चलेगी, तो आप आएंगे तो ये सिखाने की पूरी गारंटी मेरी है। आप टाइम अपना सेट कर लीजिएगा, मुझे जो चाहिए टाइम 4 घंटे मिनिमम, 5 घंटे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी सर वैसे अंकित सर से बात तो हुई थी, कोई अच्छा, इवनिंग का बैच आप स्टार्ट कर रहे हो शायद अभी अभी 20। अभी नहीं, अभी फिक्स नहीं है कि उसका यूनिंग का बैच, क्योंकि अभी हमारी करंट बैचेस चल रही हैं, वो खत्म होंगी तभी यूनिंग का कुछ प्लान कर पाएंगे, ठीक सर है। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरा थोड़ा सा इशू रहता है, मैं इवनिंग का कोई बैच सोच रहा था। थोड़ा इंतजार करिए मेरे दोस्त, ठीक अच्छा है। सर हाँ थोड़ा ठीक इंतजार करिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप है, फॉर श्योर हैं तो अंकित सर से बात कर लीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह अभी मैं कर लूँ, मेरे से मैनेज ठीक नहीं हुआ तो अपकमिंग बैच में आप यूनिंग में कर देंगे क्या, अगर वो बोल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनिंग का भी थोड़ा सा वेट करो प्रज्वल, और एक क्वेश्चन ले लेते भाई इनका, सिविल इंजीनियर ASK, ASK का पहले फुल फॉर्म बता देना तब आगे स्टार्ट करना। बुलेट लगाए हो अपने DP पे, तुमने हैंड रेस्ट किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग ASK। इस चलो आई थिंक अभी इनको आवाज नहीं आ रही है, चलो तब तक मैं सौरभ का क्वेश्चन ले लेता हूँ। यस सौरभ बोलिए, और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज ऐसे पॉम्प करके कर लेना, एक एक करके पूछ लेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सौरभ, गुड इवनिंग। आई अच्छा करंटली आई एम वर्किंग स्टूडेंट ऑफ नन्नीपनी सिमादेवजी इंस्टीट्यूट ऑफ पिथौरागढ़। ओके आई एम बीटेक स्टूडेंट। बिफोर दैट आई हैव डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। दैट्स बेसिकली मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल टू साइट वर्क, सो आई विल ट्राई टू PIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बट ऑटोकैड ऑटोकैड तो मैंने 2019 में कर लिया था, मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। बेसिकली अब तो हेड प्रैक्टिस नहीं है तो मतलब इतना वो नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट इन फ्यूचर मतलब जैसे अब स्टार्ट करूंगा तो मतलब आफ्टर माई ग्रेजुएशन कैन कोई अच्छी MNC कंपनी में जॉब, मतलब क्या सियोरिटी होगी कुछ? सिक्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती, सिक्योरिटी जैसे वर्ड में फंसोगे तो कोई मार्केटिंग का बच्चा होगा वो आपको फंसा देगा, डोंट माइंड, ठीक है सौरभ, ये फिक्स होता है। जैसे हम किसी चीज़ का लालच दिखाते हैं तो सामने वाले कई ऐसे लोग होंगे जो उसका मिस यूज कर लेंगे, तो ये फैक्ट है मार्केट का, ठीक है। तो सिक्योरिटी पे मत जाइए, आप जाइए अपने काबिलियत पे। आप ऐसा बोलिए कि मैं इतना परफेक्ट हो जाऊंगा कि आज के पॉडकास्ट में बड़ा मजा आया, उस बच्चे ने बोला कि सर मैं इतना परफेक्ट हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि इंटरव्यू देने के बाद अगर उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो उसका लॉस होगा, मेरा नहीं। इस लेवल का अरे नॉलेज, ठीक है, इस पर फोकस हाँ, करो। मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा सर कोर्स का, हिंदी इंग्लिश? लाइक आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, लाइक आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बट मैक्सिमम क्या होता है कि लोग प्रीफर करते हैं कि आप इंग्लिश में ऐड हो, इंग्लिश इन द सेंस कि दोनों अटैच हो जिससे कि वो कनेक्ट कर सके। देखो मेरा मानना क्या है, अगर तुम मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाए तो तुम सीखोगे कैसे, है ना। ये तो है, हाँ बट मतलब जैसे MNC अगर कंपनी में इंटरव्यू अगर होते तो वो तो प्रॉपर इंग्लिश में होते होंगे ना, मतलब यस उसके अलग से प्रैक्टिस के अलग। उसको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे ही डोमेन है, हमारे पास ही ट्रेनर्स हैं उसके, आपको चाहिए होगा तो सपोर्ट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन
क्लास किस होता है, क्लास इन द सेंस कि हम, मैंने बहुत दिल वाला टीचर हूँ, मुझे एकदम डेप्थ से दिल से पढ़ाना है, तो मुझे कनेक्शन चाहिए आपसे, इसलिए पहले क्लियर कर दिया, रोज आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप परफेक्ट सीखना चाहते हैं, हाँ ये बोलिए कि एमएनसी में ओपनिंग्स बताएंगे क्या सर? यस मैं बताऊंगा। ऐसी कोई बीम की एमएनसी नहीं, मैं बहुत बड़ी कमिटमेंट बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बीम की एमएनसी नहीं जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स काम नहीं करते हो। करने को मैं सबके लिए लिंक करवा दूँ, बट वो अच्छी चीज नहीं होगी। जब आप किसी चीज को छीन के पाते हो तो आपको महसूस होता है मैंने कुछ किया, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली यस, तो उसको आपको करना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि कहीं पर क्या क्वेश्चन पूछा जाए वो मैं बता दूंगा, मुझे उसका पूरा आइडिया है, ठीक है। क्वेश्चन जितना मैं बता दूंगा उसके बाहर से नहीं पूछेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। अब तुम्हें करना क्या है, सिर्फ पढ़ना ही है। एक बार फीस स्ट्रक्चर और बता दीजिए सर थोड़ा फी सा। स्ट्रक्चर इसका ज्यादा कुछ नहीं है, 4 मंथ का 20,000 इसका फी है। बाकी यहाँ पर अपना नंबर शेयर कर दीजिए, किसी को कोई क्वेरी रहेगा तो आपसे कॉल पे बात कर ले। और क्या बोलते हैं, वो 4 मंथ में आप कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर लो, वन टाइम में कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये नंबर मिल गया है, इस नंबर पर कॉल घुमा के कंफर्म कर लेना सब कुछ, ओके ठीक। सर, थैंक ओके सौरभ, चलो एक क्वेश्चन मैं भी यू। लेता हूँ। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सिविल इंजीनियरिंग एएसके जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सर हेलो, हाँ जी, पहले अपना नाम बताओ। सर मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। हाँ फिरोज, मंत्री वाला अच्छा, एएसके का फुल फॉर्म क्या है? सर, वो मेरा लोकल नेम है, आप वो सब बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोलो। तो मंत्री हाँ समय क्या, हाँ मेरा डाउट जो पूछ रहा था कि बीम में टेक्ला और नेविस वर्कर्स जो मेन इम्पोर्टेंट है, मैं हाँ वो थोड़ा पूछना चाहता हूँ। जैसे कि नेविस वर्क में स्टेट प्रो मैंने या क्या बोलेगा इसका, इसके सब ऑटो के जो कंबाइन कर सकते, मेरा ख्याल से नॉलेज से थोड़ा कुछ पढ़ा था आपका जो बीम का सिलेबस में, एक तो बार ऐसा कुछ होगा क्या एक बार ना एक होगा। बार एक बार रिपीट कर देना फिर से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फिरोज। हाँ मैं सर मैं बोल रहा हूँ कि जो नेविस वर्क में जो वर्क होगा उसका क्या मेन प्रायोरिटी है, वही आपसे पूछना चाहता हूँ नेविस वर्क का इसमें। मेन काम क्या होता है? हाँ हाँ, नेविस वर्क का मेन जो काम है वो चार है, ठीक है। पहला एक काम होता है उसका सिमुलेट करने का, चीजों को मिलाने का, ठीक है, ठीक है पहला सर। काम। दूसरा काम है उसका इस्टीमेट निकालने का, टाइम के अकॉर्डिंग जनवरी में कितना खर्चा आएगा, फरवरी में कितना खर्चा आएगा, मार्च में कितना खर्चा आएगा, ये इसका दूसरा काम है, ठीक है। तीसरा काम है 4D का, कितने टाइम में कितना काम हमारा बन जाएगा, जिसको 4D आप लोग बोलते हो, ठीक है। कितने टाइम में, जनवरी में कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें डेट ऑफ पजेशन देखना है ना, तो उस डेट ऑफ पजेशन से पहले रेडी करना है, तो कितने समय में क्या बन जाएगा, ये तीसरा काम है। चौथा काम है क्लैश निकालना, एक कप है, ये मान लो ये कॉलम है, दूसरा बीम आ रही है, टकराएगी तो नहीं, इसको क्लैश निकालना। मेनली यही चार काम होते हैं नेविस वर्क के। फिर मेन यूजेस। टेकला, टेकला जो होता है, देखो टेकला में फिर अगर पूरा टेकला पे जाओगे तो टेकला बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बट जो अपने ट्रेनिंग में जो हमें रिक्वायर्ड होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर्स की 3D डिटेलिंग करना, ठीक है। टेकला के अंदर बेसिकली तीन प्रोफाइल में जॉब लगती है, कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, टेकला मॉड्यूलर, अगर गूगल किए होगे तो टेकला मॉड्यूलर, टेकला डिटेलर, टेकला एडिटर, और ये तीनों ही प्रोफाइल बीम की प्रोफाइल है, ठीक है। टेकला मॉड्यूलर, टेकला एडिटर, टेकला डिटेलर, ये तीनों ही प्रोफाइल बीम की है। इसमें कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद एक और प्रोफाइल होती है, रीबार चेकर, ठीक है। तो ये चार प्रोफाइल मेनली होती है टेकला के अंदर। काम क्या करते हैं टेकला में, टेकला में 3D डिटेलिंग की जाती है। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, जैसे पहले हम लोग पीईबी का कोई काम करना था तो पहले ऑटोकैड में क्या करते थे, तो उसका ऊपर का हम लोग लाइक कॉलम बना लिया, राफ्टर बना लिया, कनेक्शन बना दिया, 2D में करते थे। फिर जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते थे, कंफर्म नहीं हो पाते थे कि यार यही वाला कनेक्शन है कि कुछ और है, ठीक है। जैसे कि इस कप का केवल फ्रंट व्यू दिखा देता मैं एलिवेशन में, तो शायद उतना कंफर्मेशन नहीं होता जितना ऐसे हो रहा है, राइट। तो वो 3D दिखाना, वो 3D दिखाना, दैट इज द मेन वर्क ऑफ टेकला। उसके बाद उसका कितना बजट आया, तो उसके अंदर एक कमांड होती है क्वांटिटिफिकेशन नाम से, कितना ठीक किस सर। लाइक बोल्ट लगेगा तो कितना बोल्ट लगेगा, कनेक्शन लगेंगे तो कितने कनेक्शन लगेंगे, कॉलम लगेगा तो कितना कॉलम लगेगा, वेट आएगा तो कितना आएगा,
एक साथ ट्रैक्सल सीट क्रिएट कर देना जो कि मेनली 5D का काम है। वो पूरा टेकला बहुत आसानी से एक कमांड ऑर्गेनाइजर नाम की कमांड है उससे एक साथ निकाल के दे देता है। ये इसका टेकला का दूसरा मेनली काम है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है लेकिन आई थिंक अपने लिए अभी के लिए इतना कवर पर्याप्त होगा, समझ गए होंगे। और बोलो तो और बता दूं। हेलो सर, हाँ जी सर फिर एक सवाल है सर, हाँ उसमें जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में ईटीएफ स्टेपर वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं करेक्ट और मेरी फोकस इस स्ट्रक्चर में फोकस रहता है, तो हम लोग करेक्ट का जो बीम में स्ट्रक्चर में जो फोकस रहेगा टेकला करेक्ट और रेबिट स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर रहेगा या दूसरा भी यूज करेगा यही दोनों पर रहेगा। सर? जो व्हेन कंपैरिजन विद ईटीएफ एंड स्टेप प्रो दिस आर वेरी गुड वेरी पॉपुलर, हाँ बट करेक्ट दिस टू सॉफ्टवेयर इज वेरी वाइडली यूज्ड बाय एवरी करेक्ट स्टूडेंट, सो हाँ व्हेन कंपेयर विद दिस टू सॉफ्टवेयर विद द बीम मींस टेक्ला एंड रैबिट स्ट्रक्चर, हु इज मोर बेनिफिट टू अस सर इन द फ्यूचर? देखो डेफिनेटली रवि स्ट्रक्चर जो है वो एक स्प्लेंडर बाइक की तरह है। स्प्लेंडर बाइक तो चलाया होगा, ठीक है। रवि स्ट्रक्चर एक है स्प्लेंडर बाइक की तरह, और जो टेकला स्ट्रक्चर है वो रॉयल एनफील्ड की बुलेट है। बड़े बड़े ओके प्रोजेक्ट को सर, दे दो भर जाएगा, लेके चला जाएगा। जैसे स्ट्रैड है, स्ट्रैड हम मेरे लैंग्वेज में प्लेटिना है, ठीक है। और जो ईटीएफ्स है मेरे लैंग्वेज में हायबुसा, ठीक है। क्वालिटी का डिफरेंस है उनमें, क्योंकि स्टैट प्रो में अगर आपने G+20 डिजाइन किया वो बैठने लगेगा, ईटीएफ को फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ईटीएफ ने बुर्ज खलीफा डिजाइन किया हुआ है, उसका लेवल ही ओके कुछ सर, और है। समझ गए? अब तुम्हारा तुम्हारे एक क्वेश्चन और डाउट में क्लियर कर देता हूँ, तुमने पूछ नहीं पाया शायद वो चीज। देखो कैसे कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन को पहले ऑटो कैड पर प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेविट जैसे सॉफ्टवेयर पर, रेविट है, स्केचअप है, आर्ची कैड, मार्केट में बहुत से 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो और सब एक ही तरह काम करते हैं, रेविट भी वैसे ही करता है, आर्ची कैड भी वैसे करता है, स्केचअप भी वैसे, मेन काम उनका एक ही है। तो ऑटो कैड पर प्लानिंग होने के बाद जाता है मॉडलिंग के लिए, ठीक है। मॉडलिंग पर जाने के बाद तीसरा काम होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट करता है, वो स्टेट प्रो या ईटेप पर करेगा, ठीक है। वो करने के बाद चौथा काम होता है डिटेलर का, जो कि रेवि स्ट्रक्चर पे और टेक्ला स्ट्रक्चर पे होगा। समझ गया? तो ओके ये चार फेस होता है। तो इसमें से स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम हम लोग ऐड नहीं करते हैं BIM के अंदर, क्योंकि मतलब है BIM का ही पार्ट वो भी, बट फिर बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा डोमेन है, एक उसकी 4 महीने अलग ओके लगते हैं, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड करना समझदारी नहीं होगी। तो इसमें आपका पूरा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 4, ये चारों स्टेप होते हैं। ठीक है सर, मेरा वही वही आपसे पहले मेरा 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया ऐसे स्ट्रक्चर में काम करते हुए। करेक्ट। आप पहले सिर्फ आपका भी कोर्स ले रहा, ओनली वन कोर्स अरे वाह क्या बात। 2022 में, तो हाँ फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, लाइफ में कुछ चेंजेस आया था मेरा। अच्छा मैं अभी फिलहाल PSU में ऐसे जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, हाँ हाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, वेब हाँ कोर्स के अंदर में। उसके करेक्ट बाद अभी तो फिर प्लानिंग वगैरह चेक कर रहा हूँ उसमें, जो कि कंसल्टेंट का काम है NTC वाला। तो हाँ फिर भी मेरा तो क्या है कि नॉलेज जो मेरा मेरा था और यहाँ पे जो वर्क कर रहा है थोड़ा तो डिफरेंस आ गया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लानिंग थोड़ा करता हूँ, उसके बाद बिलिंग प्रोसेस का फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर करेक्ट शायद शायद फिर भी कभी कभी मन आता है कि मैं थोड़ा डिजाइनिंग जो फिर वो भूलते जा रहे हैं बीच बीच में, तो करेक्ट कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आगे फ्यूचर में मैं थोड़ा खुद का एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, बस उसी के लिए आपसे वही है, एक बार हाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। समझ गए। अगर आपने ऑल इन वन लिया हुआ है तो स्ट्रक्चर ओके मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ले चुके, फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बेस्ट बेस्ट कोर्स है। अगर मेरे को खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ना हो तो मैं ऑल इन वन पढ़ता, तो स्ट्रक्चर के लिए ऑल इन वन बेस्ट है। अब आप अगर स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इसके साथ अगर आप BIM की ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। अब आप मॉडलिंग भी करते हैं, आप स्ट्रक्चर एनालिसिस भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, एस्टिमेशन भी, सब आपका काम हो गया। इसके बाद इसके अंदर में 1 हफ्ते लगभग लगते हैं, सेशन ले लूंगा जिसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे कंपनी खोलना है, कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, पूरी फ्रीलांसिंग में पढ़ाता हूँ,
उसके बाद आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं आप, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक ओके यू सर, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट आपके थैंक अभी कोई और भी डाउट रहेगा तो कुछ सर। नंबर रख लीजिए आप सर मैं उसको। बोल रहा था सर, हाँ ओम प्रकाश बताइए। सर जैसे ना 2020 में पास आउट हुआ मैं, हाँ तो एक साल में काम किया साइट पे, उसके बाद सिविल सर्विस में लग गया और फिर गैप हो गया सर। अब ये सोचने सीख रहा हूँ फर्क पड़ेगा कि ये नहीं थोड़ा पड़ेगा थोड़ा सर। फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं कवर कैसे करता हूँ इसीलिए ना मैं 6 मंथ के इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये हो जाता है पहला प्रूफ कि भाई 6 मंथ तो इन्होंने प्रॉपर काम किया हुआ पीछे ना, तो आपका पहली चीज जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है हमारे 6 मंथ के इंटर्नशिप से, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनवा देंगे आपका कि जो पोर्टफोलियो किसी के सामने रखोगे तो उसको लगेगा 1 से 1.5 साल का इसका एक्सपीरियंस होगा, इससे कम एक्सपीरियंस नहीं होगा इसका, ठीक है? तो जब वो आपका पोर्टफोलियो थैंक देखेंगे और आपका इंटर्नशिप में जितनी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ वो देखेंगे, तो देर आर 80% चांस कि वो खुद ही मोल्ड हो जाएंगे कि यार गैपिंग मैटर नहीं करता, इसने 6 मंथ में मेहनत कितना किया है ये मैटर करता है, फिर वहां से आपके चांसेस हैं जॉब लगने के, ठीक है? 100% ये नहीं बोलूंगा कि पहली कंपनी में, हो सकता है एक कंपनी रोके, दूसरी रोके, तीसरी सफलता की चाबी हो सकती है आपकी। ठीक है सर। ओके जी, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई इनका, अनु कुमारी का, और इसके बाद अमीन शेख जी का, फिर संदीप का, जैसे आपने रो में किया हुआ है एंट्रेंस उसी हिसाब से, ठीक है? अनु कुमारी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, फास्ट पूछिएगा नहीं तो तब तक मैं अमीन शेख का ले लूँ। चलिए अमीन शेख, तब तक आप बोल दीजिए अपना क्वेश्चन। हेलो, मैं भी इनको शायद आवाज भी नहीं जा रही, तो देखो मैं हैंड रेज किया तो थोड़ा अलर्ट रहना कि आपका क्वेश्चन रहेगा। संदीप आप पूछिए फटाफट। हेलो सर, हाँ जी, आवाज हाँ अमीन का आ गई, हाँ अमीन बोलिए। सर। मेरा वही टाइम को लेकर सवाल था कि मैं बाहर हूँ तो यहाँ का 2 o'clock हो रहा है मिडनाइट, हाँ तो बस वो सर, मतलब मतलब कैसे 2 o'clock नाइट में काम, मतलब सुबह फ्री नहीं हो पा रहे, तो 2 o'clock नाइट में है तो 7 बजे तो उठ जाओगे। नहीं, मैं बाहर हूँ सर एक्चुअली, नहीं बाहर, तो यहाँ का इंडिया का 7 बजे, मतलब यहाँ का 2 o'clock हो रहा है मिडनाइट, क्लास रात कैसे अटेंड कर पाऊंगा। नहीं मत करो हाँ क्योंकि तुम्हारे डिफिकल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वेट का वेट करो, नेक्स्ट बैच तुम्हारा जो रहेगा वो जो होने वाला है, प्रेडिक्शन मेरा लगभग ये है कि 8 बजे, सॉरी 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा रात में। अब उसको जोड़ो, वो कितने बजे होगा तुम्हारे यहाँ पे रात में? होगा 4:30 शायद, मॉर्निंग, शाम में, इवनिंग, तो अच्छा है, शाम खाली हो रहोगे उस समय में। पे कि जॉब पे रहोगे? जॉब पे रहोगे फिर मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम पे पंचिंग होता है मेरा 4:30 हाँ, में। तो ठीक है फिर तो हो जाएगा मैनेज, उसी को मैनेज करो। ये रात को 2 बजे मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर रात डिस्टर्ब होगा, फिर दिन में अच्छे से काम नहीं करोगे, क्या मतलब है, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग अभी रहने दो, नेक्स्ट बैच का वेट करो, या फिर क्या बोलते हैं तुम वीडियो कोर्स ले सकते हो उसके जगह पे, ठीक है? वीडियो कोर्स से पढ़ो, फिर जब टाइम मिलेगा तो कर लेना उसे, ठीक है? मैंने तो वैसे एडमिशन ले लिया है भाई, अरे बाप रे, जनवरी का जो तब आपने। तब इसी में करो, नहीं तो फिर क्या करना कि सुबह सुबह जो नेक्स्ट मैच जो स्टार्ट होगी उसको ज्वाइन कर लेना, अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो मुझे बता देना जैसा भी रहेगा, नेक्स्ट मैच करता फिर रखना हूँ कोर्स। उसमें, हाँ ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक है मैनेज, सर, फिर ठीक है, चलेगा। संदीप, ओके। हेलो ओके मिस सर, हाँ सर, जी बोलिए संदीप। सर एक्चुअली मेरा टोटल अराउंड एक्सपीरियंस है अभी ये लाइन में हाँ 19 to 20 years का एक्सपीरियंस है, करेक्ट दोस्त, लेकिन मुझे ऑटोकैड और टेक्ला का अच्छा होल्ड है, क्योंकि ऑटोकैड स्टार्टिंग बेसिस में चालू किया था हमने, बहुत 5 6 साल बढ़िया, ऑटोकैड में काम करा, जब कंपनी में टेक्ला है तो टेक्ला पे हमने काम चालू किया, तो आज के डेट में टेक्ला पे काम कर रहा हूँ, प्लस साइड बाय साइड ऑटोकैड पे भी काम होता है। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कंपनी की डिमांड क्या हो रही है कि कंपनी में रेविड भी आ रहा है, कंपनी में ऑलरेडी रेविड है, कुछ जॉब रेविड पे बहुत आ रहे हैं, तो बहुत कंपनी ज्यादा, बोल रही है रेविड भी सीख लो, रेविड में मुझे रेविड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, रेविड में स्ट्रक्चरल है, बाद में रीबार आर्टिकल है, है, एमईबी कंक्रीट है, वगैरह सब है, तो एक्चुअली मुझे स्पेशली मेरा बात बीच में बात भी होता है नाम नहीं बोला, अच्छा तो स्पेशली मुझे रेविट सीखना है, और हाँ दूसरा मुझे और एक क्वेश्चन है, टेकला में मुझे स्ट्रक्चरल का नॉलेज है पूरा, मतलब फैब्रिकेशन, ड्राइंग बनाना, मॉडल बनाना, डिटेलिंग करना, इवन मैं एज ए राइट चेकर करके भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा राइट,
अच्छा टीम लीडर करके रोल है मेरा अभी करेक्ट ऑफिस में। करेक्ट लेकिन मुझे रेविट प्लस टेकला में क्वेश्चन करना है, टेकला में मुझे रिबार डिटेलिंग करना है या फिर मुझे कंक्रीट बिल्डिंग ब्रिजेस बनाने हैं, तो वो ऑप्शन है क्या? मैंने देखे ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन वो मुझे जमता, मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया था टेकला भी बनाने का लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे फेलियर आ गया। तो करेक्ट बेस्ट मुझे क्लासेस ढूंढने थे तो मुझे आपका नंबर मिला, तो उसकी वजह से मैं थोड़े आगे आगे जाके फॉलो अप कर रहा था। तो मुझे रेविट और टेकला के बारे में बताइए कि रिबार डिटेलिंग वगैरह कैसा होता है, अगर देखिए करना रहेगा आपके पास हाँ तो अलग से कुछ सिखाएंगे कि वो बीम में पूरा पैकेज देना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास यही प्रॉब्लम है। अब मैं जो भी सिखाऊंगा आपको पूरा पूरा ही सिखाऊंगा, ठीक है, ओके इसमें बीच का पार्ट नहीं है, पहले चीज क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये बता दूं कि आप क्या हाँ बोलते हैं, देखिए आपने बताया ना कि रैबिट की रिक्वायरमेंट है, मैं ट्रेनिंग को ऐसा डिजाइन ही किया हूँ कि आने वाले 5 साल तक क्या लग सकता है। मैंने टेकला भी दे दिया बच्चों को, नेविसर भी दे बराबर दिया, रैबिट भी दे दिया, ऑप्शन ही नहीं है बाहर जाने का, ठीक है। बराबर है तो ये तो है। दूसरी चीज, यस, आपको मैं रैबिट के अंदर भी रिवार्ड डिटेलिंग सिखाने वाला हूँ, आप टेकला के अंदर भी सिखाने वाला हूँ। अच्छा हमारा जो मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ सबको, मेन ट्रेनिंग हमारा जो रहता है बिल्डिंग का रहता है, ठीक है। बराबर लेकिन मैं जब टेकला सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेकला में कंपनी क्या पूछ सकती है, इसलिए मैं बराबर टेकला में एक ब्रिज भी बनवाता हूँ, एक ओके फुट ओके ब्रिज भी बनवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका पार्किंग बनवाता हूँ, ठीक है, ओके फिर वेयर हाउस भी बनवा देता हूँ। मतलब आप कहीं भी टेकला के लिए अगर कहीं अलग से गए तो ऐसा ना हो कि यार ये तो सिखानी है हमने, तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके लेकिन वही है कि हम आपको एक साथ ही सिखाएंगे, और या फिर आप वीडियो कोर्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, या ओके फिर okay. हमारा पूरा 4 महीना स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। नहीं अगर मुझे अभी देखो पूरा तो अभी टेकला मुझे आते ही है हाँ ऑटोग्राफ दे, तो वीडियो करेक्ट, रिकॉर्डिंग में मेरे बात भी होता है, वीडियो अच्छा रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं, हाँ लेकिन मुझे रेविट के बारे में बताया था, लेकिन टेकला में रिबार डिटेलिंग वगैरह जो है उसका करेक्ट, भी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास? यस यस यस, सबका है, ऐप पर सबका है। बट आप तो उस जब देखिए, बोले आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं मुझसे या फिर जॉब पर्सपेक्टिव से, पहले ये नहीं, क्लियर मैं कर दूं। जॉब जॉब परसेंटेज से बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप हमारे पास गुरुकुल में आएंगे तो आपके हाँ जॉब में ग्रोथ जरूर मिलेगा। रीजन बताता ओके हूँ सर आपको, कि आप सीनियर है मेरे से, तो मैं यहाँ पर आपके इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। ओके हाँ मीन्स रेबिट सॉफ्टवेयर सीखना यूट्यूब सफिशियंट है, बट उस पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यूट्यूब इज नॉट सफिशियंट, ठीक है। बराबर बीम, क्योंकि आपको स्विच भी मारना होगा, बीम का वर्कफ्लो कैसे होता है, बीम मॉड्यूलर, बीम इंजीनियर, बीम कोऑर्डिनेटर, बीम मैनेजर के रोल क्या होते हैं, ठीक है, बराबर कैसा वर्कफ्लो चलता है बीम का, ये सब ओके कुछ आपको ट्रेनिंग में सीखना चाहिए। अगर समय ओके है तो यू नीड ओके टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, आपको ओके ये पक्का महसूस होगा कि जो मैं टेकला, डेफिनेटली आप टेकला मेरे से ज्यादा जान सकते हैं जो आप काम करते बराबर हैं, बट जो मेरा टेकला है वो बहुत डेप्थ में है, वो आपको लगेगा यार बराबर मैं जो जानता हूँ इससे अलग ही, तो बराबर ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी रही बात ऑटो कैड की, ऑटो कैड में हमने 5 साल काम किया हुआ है, बट जब मेरा ऑटो कैड आप देखेंगे आपको लगेगा यार मैंने कुछ अभी कुछ मिस किया था, ये तो पूरा अलग है, ओके क्योंकि ओके मैं बिल्डिंग में लॉ टच करूंगा, रेरा टच ओके करूंगा, FSI टच करूंगा, सेटबैक टच करूंगा, ओके ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत यूनिक है, ठीक है। बराबर तो मैं आपको बोलूंगा अगर समय है तो पूरी ट्रेनिंग एंजॉय करिए आप, क्योंकि ओके हाँ आपके लिए तो हमारा फी भी बहुत कम है, 20,000 का फी है। पहले मैंने प्रोफेशनल के लिए 40 किया था, बट फिर वो कंफ्यूजन होता था, लोग कोई झूठ बोल देते थे, मैंने कहा सबका 20 कर लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ओके 20,000 इसका फी रहता है, ओके और मॉर्निंग में 7 o'clock पे आपको एक अलार्म भी मिल जाएगा क्लास के लिए, एक एनर्जी भी ओके मिलती है। प्लस मेरा मानना है जब आप सुबह सुबह कुछ नया सीख लेते हैं तो दिन भर एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। ओके ओके तो आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है, बेटर ऑप्शन चलेगा है, ठीक है, मैं उसके ऊपर सोचूंगा मैं, सोचिए। चलेगा हाँ, ठीक है। और क्या लेकिन बोल, मैं जी, बोलिए बोलिए। लेकिन जो अगर मैं समझो वीडियो रिकॉर्डिंग लेता हूँ तो उसका रेविट और टेकला का जो मुझे मिसिंग जी लग रहा है जो एक जी बार जी का, तो उसके जी चार्जेस वगैरह कैसे रहते हैं वगैरह? बहुत नॉमिनल रहते हैं वीडियो कोर्स, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आप तो जॉब में हो, बट जो जॉब में नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वही हमारे स्टूडेंट हैं, तो बराबर राइट सर दो क्या पे कर सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपए यही आपके यस फी होंगे वीडियो फॉर्म में, ओके ठीक ओके है। ओके तो हाँ हम लोग हमेशा माइंड बुल के लिए रखे हुए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉलेज इतना फी ले चुका है, फिर छोटे छोटे ओके इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में जाते हैं, 20-25 हज़ार रुपये की सॉफ्टवेयर का ले लेंगे, यस तो हमारा सेंस थोड़ा सा अलग माइंड सेट से हम लोग काम करते हैं। तो बीम का ओके भी आप लोग देखते होंगे, अगर आपने ऑनलाइन देखा ही होगा कहीं, तो 2 लाख 2.5 लाख फीस लेते हैं, नहीं वो तो है उससे बराबर उनसे मैं लाख गुना ज्यादा अच्छा कंटेंट देता हूँ, इसका मुझे गारंटी है, ठीक है। क्योंकि यस मैं खुद ऐसे जगह पे पढ़ाया हूँ जहाँ की फीस 3 लाख रुपए थी, अब मैं नाम नहीं ले बराबर सकता हूँ,
बराबर कंटेंट मेरा है, वो सिर्फ मार्केटिंग और जो एक ना बच्चों को कैसे, आप तो सीनियर आप समझते हैं, बच्चों को एक फेक कमिटमेंट दे देंगे कि 100% प्लेसमेंट कैसे हो सकता है बिना सीखे। नहीं नहीं हो सकता। इस फेक अभी भी देखिए ना, कमिटमेंट इतना पे इतना काम करने के बाद मुझे भी अभी सीखना ही पड़ रहा है। अभी हाँ कंपनी की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, या फिर मुझे स्विच करना है जॉब दूसरी जगह। मैंने एक यस दो जगह ट्राई भी किया था, तो करेक्ट टेक्ला ऑटोकैड के साथ अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, जैसे कि अभी रेविट की भी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं एक दो करेक्ट कंपनी में। तो करेक्ट मैं सोचा अगर चलो ठीक है ना, अभी सीखना तो है ही, तो सीख के भी लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बंदे चाहिए थे सीखने के लिए कि जी मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज दें, एकदम करेक्ट प्रॉपर गाइड करे, या फिर कभी कॉल करेक्ट करे, या फिर उनको मेरे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। करेक्ट क्योंकि यूट्यूब पे मैंने दो तीन बार ट्राई भी किया था, यूट्यूब पे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लगता है ना सीखने के बाद, करेक्ट हम लोग कॉन्फिडेंटली जाके अगर मैं रेविट पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा करेक्ट। कॉन्फिडेंस हमें। तो उसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको प्रेयर कर रहा मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मेरा जो था। पूरा ट्रेनिंग है पूरी तरीके से, क्यों, मैं क्योंकि आप ट्रेनिंग करो इसकी जरूरत आपको सच बोल तो बताऊं तो अभी के लिए नहीं है, कंपनी के लिए करना है तो आप कर सकते हो। पहले ही बराबर क्लियर कर दूं आपको कि जो मेरे ट्रेनिंग है इसमें आपको Day 3 से लाइव प्रोजेक्ट पर काम करोगे आप, ठीक अच्छा, है, ये बहुत वेरी खतरनाक गुड, चीज है, ठीक है। मेरे खुद बराबर, के प्रोजेक्ट है और मेरे प्रोजेक्ट कोई एक दो नहीं है, 250 से 300 प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओके ओके आप करते करते थक जाओगे, मेरे प्रोजेक्ट नहीं खत्म हो सकते, 5 TB ओके की हार्ड डिस्क इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट है, ओके बाप ठीक है, तो मुझे प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ओके लाइव प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, प्लस मेरा खुद का भी 5 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, 2 साल का ट्रेनिंग का, तो ये 7 साल तो ओके मेरा खुद का बनता है। तो बराबर इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस ट्रेनिंग को मैं आपको मतलब बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि 20,000 का लेवल करा रहा हूँ, इसकी फी 3 लाख रुपए कोई लेता था, मैं ही ट्रेन करता था, ठीक है। और आप समझ सकते हैं सिर्फ एक कमिटमेंट के बेस पे वो लोग इतना पैसा, मुझे गलत लगा, मैंने लेफ्ट किया, वो अलग हिस्ट्री है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट ये समझिए कि फेक कमिटमेंट में किसी को नहीं आना है गाइस, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग वाले कॉल पे तो आपको बोल देंगे, बाद में आपको ब्लैक लिस्ट लगा देंगे, क्या करोगे, ठीक है। लोग यहाँ तक कि मतलब अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा हो गया कि फेक एग्रीमेंट बना देंगे, आपको 6 लाख का ही पैकेज दिलाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट का कोर्ट आपको खुद ही गाली देगा, क्या कर रहे हो यार, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चलिए उस पर नहीं डिस्कस करते। बट हाँ आपको ये मैं श्योर कर देता हूँ, आप गुरुकुल में आओगे, मेरा कमिटमेंट है कि आप इंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपकी बाकी आप बैचेस कब से चालू हो रही है सर? अभी ये जो फिफ्थ ऑफ अक्टूबर जनवरी मंथ। से, फिफ्थ ऑफ जनवरी से, ओके ओके ठीक है, मैं ट्राई ओके करता हूँ ओके ज्वाइन करने का, फुल बिल्कुल पैकेज में बिल्कुल। जाता हूँ। आप एक बार ना हमारे वीडियो कोर्स देख लीजिए, उसमें कई लेक्चर फ्री है, उसी में एंजॉय आप बहुत करेंगे, बट गुरुकुल का एक अलग मजा है वो, क्योंकि जो गुरुकुल के स्टूडेंट है उनको पता है, कई लोग यहाँ पर ऑलरेडी है, तो वहां पर आपका डेली एक प्रेशर रहेगा कि यार प्रोजेक्ट करके आना है सर के पास, ठीक है। तो वो ओके कमिट वो जो चीज है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अपने से ना कैसे होता है संदीप जी कि आप कोर्स ले लेंगे रख देंगे, बराबर प्रेशर नहीं है पढ़ने का, और यहाँ तो रोज मेरे से डांट भी खाना पड़ता है सबको, ठीक है भाई क्यों नहीं किया, फिर क्यों आ गए, फिर क्यों कह रही है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की वजह से इंसान प्रेशर में पढ़ लेता है, जैसे एग्जाम होता है बाद में पढ़ बराबर लेता है, वैसे गुरुकुल में पढ़ लेता है। बाकी बराबर आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। हाँ, लेकिन टेकला पे रीबार आपका ऑप्शन रहेगा ना क्वेश्चन में? यस मेरे रीबार डिटेलिंग ऑलरेडी ब्रिजेस ऑलरेडी वगैरह है, रहेगा ना? मैं सिर्फ आपको आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए है सब वो, है? ओके ओके चल यस ठीक है, मैं फिर मैं पूरे फुल पैकेज के लिए मैं हाँ ये करता हूँ, प्लान करिए, सोचिए, ठीक प्लान है, बट करके। ये मेरे कमिटमेंट, आप बहुत सीखेंगे, चलेगा। ओके चलेगा, ओ थैंक यू सर, ओ थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। ओके जी, मनीष तिवारी है, मनीष तिवारी का क्वेश्चन ले लेते हैं, और किसी का है तो भाई हैंड रेस कर लो, ठीक है। अगर मेरे से आप अभी यहाँ नहीं पूछना चाहते हो तो नंबर मैसेज बॉक्स में है, आप ले लीजिए। अंकित एक बार अपना नंबर फिर से मैसेज कर दीजिएगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। संदीप मनीष तिवारी क्वेश्चन पूछना है क्या आपको, हैंड रेस किया आपने, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। इन्होंने मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है, नीलमय ने लिखा हुआ है, आई एम नीलमय वेस्ट बंगाल, रिसेंटली सर आई कंप्लीट ऑटोकैड रैपिड डाटा स्ट्रक्चर, सर व्हिच इज द बेस्ट फॉर मी, बी मॉड्यूलर, बी स्ट्रक्चर मॉड्यूलर, रीबार मॉड्यूलर। इसमें नीलमय देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है दोस्त, तीनों में ही बहुत स्कोप है, तीनों में ही डिमांड है, बट तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है। अगर इंटरेस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट में है तो रीबार के लिए तैयारी करो, इंटरेस्ट किस लोग कर रहे थे ना मेरे को ऐसी क्रिएटिविटी चाहिए तो फिर स्ट्रक्चर मॉडल, फिर आर्किटेक्चर मॉडल के लिए प्लान करो, ठीक है। तो एज पर योर इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप करियर को चूज करते हो गाइस, तो आप हमेशा हैप्पी महसूस करोगे। मुझे पता भी नहीं कि इस समय समय क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर डिसाइड करो, मेरे बात पे मत करो, ये मेरा कहना रहेगा। मनोज हैंड रेस्ट किया आपने, कुछ पूछना है आपको, हाँ जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन बिल्कुल
सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में है करेक्ट और अभी भी मतलब मैं मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम हमारी कंपनी जो बाहर से डिजाइन कराती है, करेक्ट तो मैं वो डिजाइन चेक करता हूँ सर। जैसे आप टेकला की बात कर रहे थे कि वो जो मॉडलिंग करके देते हैं 3D में, करेक्ट वो सब मैं चेक करता हूँ अकॉर्डिंग। जैसे हमारी जो आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है उनके साथ में कुछ चीजें मतलब वो सब, जैसे हमारा कनेक्शन ठीक है और वो सब, ये मैं चेक करता हूँ सर। और BOQ मैं बनाता हूँ और रेविट पे मेरा मॉडलिंग चलता है। करेक्ट तो सर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो क्या काउंट होगा BIM में अगर मैं कहीं पे जाऊँ? डेफिनेटली होगा। नहीं ऐसा होता है सर, जैसे BIM में भी ना अलग अलग फील्ड में डाल लेते हैं, मान लो जैसे MEP में डाल दिया कई बारी, हाँ, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जब मुझे आप समझना था सर कि ऐसा तो नहीं। वर्क फ्लो के अंदर हो, ठीक है, जब आप वर्क फ्लो के अंदर हो, स्वाभाविक सी बात है मुझे आपका एक्सपीरियंस काउंट करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग के लिए आ रहे हो और आपने एज अ कंडक्टर काम किया हुआ है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर दिन भर देख रहा था गियर कैसे डालना है, तो एक्सपीरियंस तो हो रहा था ना, ट्रैफिक में कहाँ ब्रेक मारना है, एक्सपीरियंस तो हो रहा था ना, तो डेफिनेटली। अब इसमें क्या होता है ना, अपने बात को रखना कैसे इंटरव्यूअर को, ये किसके लिए, ठीक है, आप चेक करते हो, ठीक है, इसी चीज को मोल्ड कर दो कि आप बनाते भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको बनाना तो आ गया ना, मैं सिखाई दे रहा हूँ ना, तो आप बनाते भी हो, आप चेक भी करते हो, एक्सपीरियंस हो गया। जब तक आप बोलते थे कि सिर्फ चेक वही था करता सर हूँ, इस, जी बताइए। हाँ सर इन चीजों को लेके ना थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस मतलब लो था कि यार मतलब मैंने अभी तक, जैसे लोग बोलते हैं कि BIM मॉडलर, करेक्ट, मेरे कई फ्रेंड हैं जो जैसे कोवी इंडिया और रैम्बोल इंडिया में काम करते हैं, कितनी अच्छी कंपनी है, कितना तो पैकेज पाते वो होंगे वो उनका पैकेज तो सर ठीक ही है। मतलब एक मेरा फ्रेंड वो मतलब काफी सीनियर है मुझसे, वैसे उसको 16 ईयर का एक्सपीरियंस है उसका, मतलब 40 के आसपास का है सर पैकेज। हाँ, कम है, उसको 50 के आसपास होना चाहिए। हाँ अभी कम है मतलब 40 के हाँ आसपास है वो, एक BIM मैनेजर है वो अभी। हाँ हाँ तो वो 40 का है। एक मेरा और दोस्त है वो रैबिट मॉडलर ही है, हाँ तो वो पहले आर्चीकैड पे काम करता था, अभी रैबिट में आ गया है, तो उसका भी मतलब करीब 15-16 का है अभी। तो मैं उनसे भी मेरी बात होती है, तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे होता है ना अभी वो जैसे स्ट्रक्चर में है, वो स्ट्रक्चर की डेलिंग करते हैं, RCC स्ट्रक्चर में है, और उसमें भी उनका जैसे होता है कि वो रोड ब्रिज में है, कुछ बिल्डिंग में है, तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि जैसे मैं बिल्डिंग में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मुझे अभी मैं आर्किटेक्चर में हूँ, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत करता हूँ, देखो, इसमें तुमको तो सिंपल वो से मैं बताता पूछ हूँ रहा मनोज, था क्या होता है जब हम ज्यादा जगहों पे जाएंगे, ज्यादा लोगों से डिस्कस या कंपेयर, मैं पहले देखो किसी ने पूछा था, मैंने बोला था ना कि। कंपेयर मत करो, कंपेयर वर्ड ही हाँ गंदा है, जी ठीक है, कंपेयर वर्ड ही गंदा है, कंपेयर करते ही हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, ठीक जीरो है। हो जाता है तो जी मेरा जी ये कहना है कि आप उनसे कंपेयर मत करो, आप बिल्डिंग में हो, एक आप नहीं एक्स मैं वाई, उनसे कंपेयर नहीं। हाँ मतलब आप एक्स वाई जेड पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब डेफिनेटली अगर आप इस काम के साथ कुछ और काम सीखते हो, जैसे कि मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, अब आपके पास बंडल हो गया नॉलेज का, अब इस बंडल को जी सही एक आर्किटेक्चर फॉर्म देना है और एक सही इंटरव्यू वाली कंपनी को चूज करना है, वहां पर जाके प्रेजेंट करना है। जब आप अपना जी बंडल जी लेके जाएंगे, अच्छे तरीके से पैकिंग करेंगे, पैकिंग कैसे करना है, पोर्टफोलियो में अच्छे तरीके से पैकिंग करेंगे, वो आपके पुराने एक्सपीरियंस को भी सुनेंगे, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस घूमता हुआ तो आएगा ना यार। अब अगर आर्किटेक्चर वाला जी स्ट्रक्चर को अगर एक्सपीरियंस नहीं मानेगा, गधा है, पाइपलाइन तो वही है ना आने बिल्कुल की, जी। ड्राफ्टमैन का एक्सपीरियंस कोई कंसीडर ना करे, बेवकूफ है, क्यों, ड्राफ्टमैन से तो करियर स्टार्ट होता है, ठीक है। जी जी तो ये सब जो अच्छी जी कंपनियां होती है इस पूरे बंडल को समझती हैं, बस उनको जरूरत होती है कि मेरा जो करेंट काम है ये सामने वाले को जी आना चाहिए, और उसी की हम लोग जी आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपका जो करंट काम है उसमें क्या जरूरत है, वो चीज हमें बताना है, समझ गए। वैसे सर मुझे कैड में ना जैसे RCC डिटेलिंग और वो जो अपना स्टील डिटेलिंग होती है वो मैंने की हुई है, वो मुझे आती भी है, वो मैं करेक्ट करता भी हूँ, करेक्ट, तो अभी मुझे यही था कि उसको मैं 3D में कैसे लेके आऊँ, तो मुझे टेकला और ये सभी था, तो आपका जब ये पैकेज मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। सब कुछ है। देखो इसमें क्या होता ठीक है है ना, सर ओके मनोज, ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि हम जैसे ऑटोकैड हमको आता है, बट ऑटोकैड जी हमको आना एक अलग चीज है,
आज के टाइम का इंटरव्यू क्रैक करना अलग चीज है। क्यों? जी इंटरव्यू में जो एमसीक्यू टेस्ट होगा, पूछेंगे डायनेमिक इनपुट का शॉर्टकट की क्या है, अब हम कंफ्यूज हो रहे जी हैं, वो हमसे पूछेंगे पर्ज कमांड का यूज क्या है। अभी देखो कई लोग ऑटोकैड जी सीखे होंगे पर सोच रहे होंगे ये क्या होता है, वो हमसे पूछेंगे डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड का यूज क्या होता है, हम कंफ्यूज हो गए, लेयर मिनिमम कितने होते हैं कंफ्यूज हो गए, पॉलीगॉन मैक्सिमम कितने साइड्स बना जी सकते हैं कंफ्यूज, मतलब क्या हो गया, ऑटोकैड आना ऑटोकैड का इंटरव्यू क्रैक करना दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो जी अपने गुरुकुल का यही बेनिफिट है कि यहाँ पर इन दोनों डिफरेंस को हम लेवल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ठीक दिन भर है वही चीज देखते हैं तो हमारे लिए वो रेगुलर रूटीन हो गया, तो अलग चीज हो गया। ठीक है, ओके ब्रदर, चलो मैं ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन ले लेता हूँ। जल्दी से सर एक इवनिंग का बैच लाइए, इवनिंग में थोड़ा भी एक बैच लाइए थोड़ा सर। सा समय दीजिए भाई, बैग मत लगवाओ नहीं तो ठीक मेरा बैग हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। है ओके जी, चलो ठीक है गाइस, हम लोग क्लास भी एकदम ऐसे रिलैक्स फॉर्म में ही देखते हैं। अभी अब बोस हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, ये भी क्लास के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, पता नहीं। अब वो श्यामा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? इसके बाद सुदर्शन पक्कदम का क्वेश्चन लेते हैं। अब हाँ वो जी सर, श्यामा, आवाज आ रही है सर? यस गुड यस इवनिंग यस, सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ वो श्यामा सर एक बोलो डाउट था, यही पूछ लूं कि एक डाउट बड़ा आ रहा था मेरा कल का। बोलो। अरे क्लास का डाउट रह गया, हाँ, एक चीज रह गया था सर, वो मेरे को फिर बोलो टाइम नहीं मिल पाया इसलिए बोलो आ गया बोलो सर, सॉरी सर बोलो, उसके लिए। कोई बात नहीं, बोलो। सर एक मैंने मास आपको मेल कर रखी है, मास से मैंने एक मॉडल बनाया था, मेल अच्छा किया अच्छा मैंने आपको, हाँ जो कल आप पूछे थे मेरे से कि फोटो दिखा दो मेरे को, तो बना लिया मैंने। हाँ हाँ उसी की वॉल पे मुझे ना सर सेंटर में कर्टेन वॉल लगानी थी सेंटर कर्टन में, हाँ लग जाएगी। तो वही एक डाउट था सर, बस थोड़ा उसको रुको आप ना सर उसका, जब थोड़ा भी आप रुको, बता ठीक दो। है चलेगा, थोड़ा रुको क्योंकि इस क्लास में नहीं करेंगे उसको, हम बता दे रहे हैं ठीक है तुमको सर, अलग से। लेकिन ठीक है सर, अभी जब ओके तुम सर, आए ओके हो तो तुम सर, थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दो अबाउट द गुरुकुल ट्रेनिंग, कुछ डिफरेंस तुमको लगा आने के बाद, गुरुकुल का एक्सपीरियंस शेयर कर दो ये सबके साथ, मुझे अच्छा लगेगा। काफी काफी कुछ चेंज है सर। मतलब जब आया था तो वो चीज, एक वो कॉन्फिडेंस जो है ना आज के टाइम पे, अभी मुझे महीने 1.5 महीने हो रहे हैं, बट एक वो चीज है ना कमांड, जो चीजें आप कराते हो जिस तरीके से आप, कि आप सिर्फ हमें कमांड सिखाते हो, आपका ये नहीं है कि कोई वीडियो पकड़ा दी बना के अब वो हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं बस देख देख के, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली हमें पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलता है, सिर्फ कमांड हमें पता होती है कि कैसे करना है उसको, वो हमें खुद ही सोचना है उस चीज से। सर वो जो आप सिखाते हो ना, वो चीजें बिल्कुल बैठ जाती हैं एक बार काम करने के बाद, हाथ सेट होता है, प्रैक्टिस से सर स्पीड बढ़िया बनती है वो तो काफी चीजें। फिर जो आपके इंटरव्यू सेशंस होते हैं हमारे मॉक इंटरव्यूज वाले, उसमें सर क्वेश्चंस मतलब बढ़िया होते हैं, पूरा प्रॉपर वो फॉर्मेट जो होता है एक तरीके से कि हाँ सच में हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, कोई भी क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट नहीं करते आप, कि एक आइडिया मिल जाए वो तुरंत का तुरंत चेंज हो जाता है वो क्वेश्चन, तो एक वो चीज है बेहतरीन। मतलब सर ऑल एंड ऑल मिला के इतने टाइम में सर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है सर, मतलब तुम और हैप्पी हो चीजें ना? सीखने को बिल्कुल सर सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है ओके सर, चलेगा, वर्थ है सर बिल्कुल। ओके थैंक यू। ठीक है मैं थैंक तुमको यू अलग सर, से बता देता हूँ तुम्हारा डाउट, ठीक है? मुझे ना इस क्लास इसके बाद जस्ट कॉल कर लेना, कॉल में बता दूंगा, ओके सर, ठीक है? और ओके बाकी मैं इसलिए गाइस आप लोगों को सुना रहा था क्योंकि कैसे होता है, जो बच्चे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उनको नहीं पता है कैसे ट्रेनिंग हो रही है, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ऐसे भी माइंड में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या बोलते हैं, लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, उनके पैसे खराब हो जाते हैं। मैंने आपको बस ये आए थे अब उसमें, तो मैंने सोचा आपको बतवा देता हूँ। ये बीम के ही आपके सीनियर स्टूडेंट होंगे, इनका नवंबर बैच है, रमीज भी यहाँ, भी रमीज खुद ही बताएंगे, ये भी हैंड रेस कर रहे हैं, बट पहले सुदर्शन कदम को बोला है। कदम बोलिए, सुदर्शन कदम। अरे भाई हैंड रेस करके अलर्ट रहो कदम। हाय सर। हेलो कैसे हो? मुझे पूछना था कि बोलो। ऑटोकैड का जो बीम में क्या फ्यूचर हो सकता है और क्या कर ऑटोकैड, सकते हैं। देखो क्या होता है, बीम के अंदर दो टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है? एक ओके होता है कैट टू बीआईएम जो ओके कि फ्यूचर को प्लान करता है, ओके एक होता है स्कैन टू बीआईएम जो कि पास्ट को प्लान करता है, ओके ठीक है? मतलब ये कि जो स्कैन टू बीआईएम कॉन्सेप्ट सुनते हो आप लोग, कभी सुनते होंगे इंटरव्यू में, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको देख के डिजाइन करना, इसको बोलते हैं स्कैन टू बीआईएम, मतलब पास्ट का काम कर रहे हो, ठीक है? ओके ओके कैट टू बीआईएम मतलब जो फ्यूचर में बनने वाला है उसका पहले कैट फाइल तैयार करोगे, तो कैट फाइल ओके जो भी तैयार करेगा तुम्हारा काम नहीं है, कैट फाइल जो आएगा उसको मॉडलिंग करना, फ्यूचर करना, ठीक है? तो कैट टू बीआईएम में क्या होता है कि जब कैट का काम तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास कैट का पहले से नॉलेज है, तो स्केल का टेंशन नहीं है, तुम 2 मिनट में स्केल मार दोगे, ठीक है? ट्रिम ट्रिम करना है, कहीं गड़बड़ी लग रही है, तुम फटाफट करके दे दोगे। उससे भी ओके कहीं बहुत ज्यादा काम करता है आपकी माउस की सेटिंग,
ठीक है, माउस का जो सेटिंग ऑटोकैड पर हाथ बैठाता है वो किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं बैठा सकता। सबसे ज्यादा माउस ओके कहाँ यूज होता है? ऑटोकैड में। ऐसे कर दूँ। तो क्या होता है, जब माउस की सेटिंग हुई रहती है तो मॉडलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कोई अगर साइकिल चलाया हुआ है तो बाइक चलाना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, नहीं होती ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट बाइक चलाएगा वो क्वालिटी वो फिनिशिंग आ ही नहीं सकती है, नहीं। ठीक है। तो इसलिए बस यही इसका इतना यूज है फिनिशिंग लेवल पे। बाकी जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आगे भी काम आएंगे भाई, सेटबैक पहले भी काम में आएगा, बिल्डिंग बाय लॉ पहले भी काम में आएगा, रेरा भी काम में आएगा, वो अलग चीज है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग काम में आएगी, ठीक है। होप क्लियर हो ओके गया होगा, ओके ओके सर, चलेगा थैंक मैम। यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलिए रमेश का एक क्वेश्चन है शायद, रमेश ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रमेश, बोलो। यस सर, एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि हाँ जैसे ऑल इन वन में सर टेक्ला का कोर्स है सर शायद, हाँ तो हाँ हाँ ऑल इन वन में नहीं है एक्चुअली सर टेकला, शायद सर नहीं वो भी IIM में है, नहीं नहीं टेक नहीं नहीं वो मैं कोर्स लेने रिकॉर्डेड कोर्स की बात रिकॉर्डेड बोल में रहा ही हूँ। बोल रहा हूँ मैं, ऑल इन वन में नहीं है, ऑल इन वन स्ट्रक्चर का कोर्स है, उसमें टेकला नहीं देंगे ना। जो भी हो सर मैं देखा हाँ हूँ शायद नहीं है, मैं तो ये वो भी IIM वाले। फिर क्वेश्चन बोलो, छोड़ जाने दो, वो तो होगा ही। बोल रहा हूँ सर, जैसे मैं रिकॉर्डेड कोर्स लूँ तो हाँ क्या सर जैसे मैं कंफ्यूजन हो तो वो कहाँ पे पूछूँ सर? हाँ यही एक इसमें एक समस्या होती है। क्या होता है ना, कंफ्यूजन के लिए हमने स्टार्टिंग में सेशन रखे थे कुछ, ठीक है, बट क्या होता है ना कि अब कंफ्यूजन आपको पता नहीं कब हो, है ना, तो मेरे को सेशन का टाइमिंग रखने में समस्या होती है। और टाइमिंग में मान लो हमने 6 से 7 रखा, 1 घंटा अपना स्पेंड किया, उस समय पर लोगों का आना फिक्स होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि कभी लोग आ जाएंगे कभी लोग नहीं आएंगे, तो मेरा तो 1 घंटा पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, समझ गए। तो इसके वजह से अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि संडे को या सैटरडे को वीकली बेसिस पर Q&A सेशन उसका रखेंगे, क्योंकि रेगुलर किया था पहले तो, ठीक है। रेगुलर में क्या होता था कि जैसे एक बच्चा आ रहा है और वो जा रहा है, बाकी कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्योंकि एक प्रेशर नहीं है ना। गुरुकुल में तो देखा है, गुरुकुल में तो प्रेशर है भाई। हाँ गुरुकुल में क्या है, मुंह दिखाना है तो काम करके आना है, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में तुम लोग को ज्यादा अच्छे से पता है, तो ऐसा प्रेशर होना चाहिए स्टडी के लिए, मेरा ये मानना है, बनाना ठीक है। तो बहरहाल मैं उसका वीकली बेसिस पे Q&A रखने का प्लान कर रहा हूँ, बट जानते हो मैं कोई कमिटमेंट तो देता नहीं, है तो अभी सर। ऐसा प्लान नहीं है तुरंत में, बट करूंगा, यस सर। ठीक है। तो सबसे सर बहरहाल पहले सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, अरे क्योंकि सर मैं 6 मंथ हो गए सर मुझे जॉब करते हुए, एनएनसी अरे वाह क्या बात है, डिजाइन इंटरनेशनल में अभी जॉब कर रहा हूँ सर। अरे वाह क्या बात है। चलो कल तुम्हारा पॉडकास्ट करते हैं, कल फ्री हो संडे कल, संडे आपको वर्किंग है कॉल क्या? करता हूँ सर। मैं मुझे कॉल करो कल तुम्हारा, अगर ओके तुम okay. किसी भी समय फ्री रहे, कल मेरा संडे है तो ऑफ है, तो पॉडकास्ट कर लेंगे तुम्हारा, लोगों को सीखने को मिलेगा, है ना। ओके सर ओके। किसी भी टाइम पे कॉल करो मुझे, रात को 12 बजे एक्चुअली फोन कर। सर जो हमारे मैनेजर है ना सर वो हाँ टेक्ला सीखने को टाइम दिए हैं 6 मंथ। अच्छा एक्चुअली सर कंपनी में स्टील वर्क का प्रोजेक्ट आना स्टार्ट होने वाला है तो सर। मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें एक अच्छा सोल्यूशन दूंगा, गुरुकुल को रहने दो, मैं अलग से तुमको बता दूंगा क्या करो, ठीक है। ओके सर कल ओके मुझे कॉल करना, कल संडे है तो मैं तुमको एक सोल्यूशन बताऊंगा, 6 महीने दिए है ना टाइम, उससे यस पहले तुम सर परफेक्ट हो जाओगे, मैं तुमको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। ओके सर ओके ओके थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। कल मुझे कॉल याद करके करो, अगर पॉडकास्ट के लिए फ्री रहना तो करेंगे, ठीक है। ओके सर ओके जी थैंक ओके। चलिए भाई क्या बोलती है, मंजूषा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही है, फिर आदित्य पूछना चाह रहे हैं, तो पहले मंजूषा का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर। मंजूषा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मंजूषा कैसे हो? सर, एकदम मस्त हूँ मैं। ओके जी बढ़िया, बोलिए। आई वर्क एज अ डिजाइन इंजीनियर। अरे वाह क्या बात है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी तक मैंने डिजाइन किए हैं। अरे वाह क्या बात अभी मुझे ऐसा है कि मैं रेसिडेंशियल में और कमर्शियल में मुझे अभी अपना करियर करना है। है। हाँ सो अभी मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो स्टैड प्रो और आरसीडीसी और एक्सेल शीट्स करके डिजाइन करती हूँ। करेक्ट, सो मुझे अभी ये आपको पूछना है कि मैं अगर बीम की बैच ज्वाइन करूंगी तो उसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आप लेने वाले हो क्या? यही तो वो होने ही वाला लेने है वाले हो तो कितने स्टोरीज तक आप करोगे और उसमें जी। क्या चेंजेस होंगे? ओके और नेक्स्ट इज कि हम क्या क्या पैरामीटर्स से स्टील
देने वाले, मतलब क्रैक विड्थ है या फिर डक्टाइल डिटेलिंग है, वो सब कंसिडर करके कौन से लोड्स क्या क्या होगा वो थोड़ा भी सा तुम्हारा क्वेश्चन देखेंगे। बताता हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो एक्चुअली। तुमको सीखना है स्ट्रक्चर एनालिसिस मंजूसा, राइट। और ये जो अपना ये जो जिस प्लेटफॉर्म जो जो बैच लॉन्च हो रही है, ये बैच बीआईएम की है। तो बीआईएम में स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं, स्ट्रक्चर एनालिसिस का वो अलग टाइमिंग। अभी इसमें वो बैच फुल चल रही है एक बैच, बट वो फुल है। न्यू बैच शायद फरवरी में उसकी लॉन्च होगी डियर, तो वो सीखने वाले डेफिनेटली। बट बीम का उससे थोड़ा सा हटके सिलेबस रहता है जो तुम्हें सीखना है, क्योंकि तुम्हारा जो एम, समझ गया तुम जो सीखना चाह रहे हो, तुम रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग सीखना चाह रहे हो ना, तो उसका एक और टाइम। अप्रोच ब्रिजेस वगैरह सब। हाँ, तो वो ना वो एक्चुअली बीम में नहीं आता वो, ठीक है। बीम में वो स्ट्रक्चर एनालिसिस मैंने अलग कर रखा है, क्योंकि वो अगर ऐड कर दिया ना तो एक सिलेबस ही एक्चुअली यही सिलेबस 4 महीने में बोलता हूँ, बट 4.5 5 महीना चला जाता है, ठीक है। और अगर उसको ऐड कर दिया तो 1 साल चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो मंजूसा। क्या बोलते हैं, न्यू बैच उसकी फैब में स्टार्ट होगी स्ट्रक्चर की, ठीक है। मेरी टीम के लोग यहाँ पर हैं, तो वो देख रहे हैं, तो आपको खुद ही कांटेक्ट कर देंगे फैब में जब भी बैच स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि इस बैच में मेरे, अब क्लियर बता देता हूँ भाई कि आपको इस बैच में फायदा नहीं होगा तो आप क्यों करोगे इसको, क्लियर मंजूसा। और अगर बीआईएम मॉडलिंग सीखना है तो इस बैच से अच्छा कोई सलूशन नहीं है। बट बीआईएम में हमको स्ट्रक्चर्स में आप बिल्डिंग्स दिखा सिखाने वाले हो ना ऐसा? यस यस, लेकिन वो बिल्डिंग की मॉडलिंग और डिटेलिंग करने वाले हो ना आप, एनालिसिस की बात करो। जैसे आपने बोला क्रैक विड्थ, डक्टाइल हाँ डिटेलिंग, तो आईएसओ हाँ 13920 पढ़ेंगे, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, ठीक है। हाई वो स्कोर्स के स्ट्रक्चर हिसाब से नहीं पढ़ने वाले, मतलब हम लोग इधर नहीं, हाई स्कोर्स के वो हिसाब से आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस सीखना है ना, पहले ये क्लियर करो। नहीं, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं सीखना है। जो हम बीम का डिजाइन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वी यूज हाई स्कोर्स अच्छा SP16 या अच्छा फिर अच्छा फोर फाइव अच्छा सिक्स 1893, ओके ओके, ये तब मैं गलत सब हूँ। हाई स्कोर करके हम हाँ डिजाइन प्रोवाइड करते हैं बराबर। यस यस, तो अभी मैं समझ उतना गया, मैं थोड़ा गलत क्वेश्चन समझ, मुझे लगा तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात कर रहे हो मंजू साहब, नो 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 ठीक है। यू टॉकिंग अबाउट द बियॉन्ड आई डेस्क, थैंक यू। यस आई फोर फाइव सिक्स में भी क्रैक विड्थ मेंशन है, वो यस सब यस वो नहीं यस पढ़ना चाहती हूँ यस मैं यस, डिटेलिंग। क्लियर, अब क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा, मुझे लगा तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए रिसर्च कर रही हो। यस, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। रही बात हाई राइज की, G+25 तक का प्रोजेक्ट्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब वो आपके डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप उतना उसको कैपेसिटी है तो उठा सकता है। G+8, G+20, G+25 लास्ट है। इसके ऊपर का क्योंकि स्टूडेंट्स के पास लेवल नहीं रहता है लैपटॉप में, तो करेंगे तो पूरा हैंग कर जाएगा। और 25 भी मैं सबको कंपलसरी इसलिए नहीं करता हूँ, किसी का लैपटॉप बहुत अच्छा है, किसी का कम अच्छा है, तब वो नहीं कर पाता। बट जो मैक्स है, जो गुरुकुल के बच्चे करते हैं, ठीक है, वो G+25 तक का पूरा करते हैं। अभी आज एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है, अगर देख लोगे तो, वो बच्चे ने G+25 किया था, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो G+25 तक आप यहाँ पर बेसिकली सीखते हो और एक पूछना था कि जी। कितना टाइम स्पेंड लगेगा ऑटो कैड के लिए, कितना ऑटो रहेगा कैड मतलब के लिए 15 to 20 मिनिमम? डेज और उसके बाद आर्किटेक्चर उसमें रेविट कितना? आर्किटेक्चर के लिए मिनिमम 1 मंथ, रेवी स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 1 वीक, ओ सॉरी मिनिमम रेवी स्ट्रक्चर के लिए 2 वीक, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी 3 वीक भी चला जाएगा, ऐसा कोई हमने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पर हो गई तभी मैं नेक्स्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे को चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आर्किटेक्चर में, मुझे वो दिख गया, नेक्स्ट ऑटोकैड में बिकॉज जब तक नहीं पिछला दिखेगा। मुझे बहुत हेल्पफुल किया, अभी हाँ मैं अभी जिस पोजीशन पे काम कर रही हूँ उसमें मुझे अभी तक मतलब बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए थे मुझे पिछले पता है तुम जो स्ट्रक्चर मैंने बैचेस में तुमने सॉफ्टवेयर। सीखा था, यस यस, ठीक है। तो थैंक यू मेरे। हमने मेरा में वरी बहुत तेज है मंजू सर, मैं चीज़ों को बहुत तेज याद कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे याद है तुमने अपना जो हुआ था, और क्या बोलते हैं, बीम में तुमको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और जो तुमने एक्सपेक्टेशन किया होगा उससे ज़्यादा ही डिलीवर होगा, ये फिक्स है। और रही बात तुम्हारे जॉब में, अगर तुम स्ट्रक्चर्स और बीम को कंबाइन करके जाओगे तो 9-10 लाख रुपए का पैकेज बहुत नॉर्मल है। अभी हमारी एक स्टूडेंट है देवई करके, उसका कुछ 12 लाख का पैकेज लगा है बी कंस्ट्रक्ट में, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ना, कॉम्बिनेशन का बेनिफिट। एक लड़का है अमन सिद्दीकी करके डेली का, उसको 9 लाख का पैकेज लगा था 1 साल पहले, जब तुम्हारी बैच थी शायद, वो तुम्हारे बैच या आगे पीछे के बैच का था, ठीक है। तो कुल मिला के बीम और स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन फ्यूचर को बहुत तेज से बढ़ा देता है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अब वो टाइम देख लो तुम्हारे टेक्ला पास और में बीम टाइम। आप साथ में ले रहे हो यस तो यस टेक्ला यस और बीम में हमको वो सॉफ्टवेयर हम कैरी कर सकते हैं, दो दो सॉफ्टवेयर साथ यस साथ यस साथ में यस सीखना, बिकॉज बिल्कुल कर सकते, दोनों साथ का में नहीं तो ये करते, पहले ऑटो रेविट हो जाएगा तब टेक्ला में जाएंगे, तब नेविस वर्क में जाएंगे। ओके ओके एक ठीक साथ है करोगे तो पजल हो जाएगा ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओके तो तुम ठीक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, तो तुम आराम से आके कर सकते हो, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मंजू सर, तुम्हारी ओल्ड स्टूडेंट, इनको पता है। सो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं आदित्य कुमार जी का। यस आदित्य बोलिए, और किसी का क्वेश्चन है तो भाई हैंड रेस कर लूँ। ठीक है, बिना गुड जिज्ञासा इवनिंग के। सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ आदित्य बोलो। सर हम आपके रिकॉर्डिंग स्टूडेंट हैं। अभी 1 महीने मतलब अप्रॉक्स 1 महीने हुए होंगे या क्या पच्चीस बात छब्बीस है, दिन हुए होंगे लेक्चर कौन सी बी आई एम, खरीदे। बी आई एम है ये सर आपका? रिकॉर्डिंग का BIM, तो अच्छा बोलो। हाँ सर हमें सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है वॉक थ्रू बनाने में। वॉक थ्रू सर बना ले रहे हैं लेकिन सर वो रिकॉर्डिंग केवल 20 सेकेंड की हो रही है, उससे अधिक की नहीं हो रही है। उसमें क्या करना पड़ेगा ना, मतलब तुम अभी इंस्केप डाउनलोड कर लो, ठीक है? मैं लिंक जो है जी तुम्हें भिजवा दे रहा हूँ लिंक, ठीक है? इंस्केप से ओके करोगे बड़ा ही स्मूथली हो जाता है, देखा होगा उसको पूरा हैंग करना लगा होगा सिस्टम तुम्हारा रेविट से, है ना? तो हाँ रेविट सर थोड़ा बहुत रेविट करता है। हाँ, बड़ी बिल्डिंग करोगे तो पूरा हैंग करने लगेगा। तो इंस्केप डाउनलोड हाँ कर लो, क्विक वॉक थ्रू, क्विक रेंडर, अच्छे क्वालिटी का रेंडर। वो जो कोर्स जब बना रहे थे ना तब इंस्केप नहीं था मेरे लैपटॉप में, तो तुमको चाहिए तो मेरा नंबर है तुम्हारे पास व्हाट्सएप वाला? हाँ सर हाँ है ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पर सर, मैंने मैसेज इंस्केप, किया था आपसे, मैंने नेविएट RE-X के लिए बोला था तो आप बोले थे कि आप हाँ मैसेज तो करना कल सेंड, कल बात आपने हुई, किया कल नहीं वाली सर। बात हुई, कल बात हुई थी ना शायद? जी सर कल बात हुई थी हमारी हाँ शाम को। नहीं एक्चुअली मेरे कैसा होता है, मैं आज थोड़ा बाहर गया हुआ था, मेरा एकादशी है आज, तो फास्ट होता है मेरा, फिर मैं बाहर था तो अभी आया हूँ तुम्हारी इस सेशन के लिए, तो तुमको मिल जाएगा कल। मुझे ना मॉर्निंग में एक बार कॉल घुमा देना अगर नहीं भूल गया तो, ठीक है? कैसा होता है कभी कभी ओके मैसेज सर बहुत हो जाते हैं तो इतने मैसेज ग्रुप नीचे चला जाता है मैसेज, फिर वो सीन नहीं हो पाता है, शायद मैंने सीन नहीं किया होगा जहाँ तक है, ठीक है? नहीं सर सीन हाँ नहीं है अभी तक। तो वही समस्या हो जाती है, मैं भिजवा दूंगा, तुम इंस्केप डाउनलोड कर लो याद करके, ठीक है? मैं रहेगा तो मैं ओके ट्यूटोरियल भी शेयर कर सर, दूंगा उसका, ठीक है? और सर मैंने प्रोजेक्ट सर बहुत सारे बना रखे हैं सर, एक बार चेक कर लिए होते हैं वो सारे व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट ही तो भेजो, मेरा। व्हाट्सएप पे ही भेज दो, ठीक है? और तो कम सर मैं इस रेंडरिंग का भेजूं या पूरी फाइल भेजूं नहीं, सर रेंडरिंग एक? रेंडरिंग पूरी फाइल भेजोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप हैंग करने लगेगा, ठीक है? रेंडरिंग ओके सर, भेजो मैंने बट सर हाँ बोलो जी बोलो सर बोलो बोलो। मैंने सर 5-6 प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो वो चेक नहीं हुआ, तो मतलब थोड़ा हाँ यही प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग में कि चेक नहीं हुआ, सा अब क्या गड़बड़ी है, तो मुझे रेंडर सर भेज दो उसका। कॉन्फिडेंट नहीं। हाँ वही दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तुम भेज दो, मैं फिर भी कल चेक कर लूंगा, मुझे कल एक बार याद करके 9-10 बजे के आसपास कॉल घुमा देना, फ्री रहूंगा मैं ओके कल, सर संडे है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। एक ओके थैंक ओके जी, एक क्वेश्चन मनीष दुआरी जी का ले लेते हैं। यस मनीष जी बताइए, फिर एक क्वेश्चन मोइन अहमद जी का लेंगे। हेलो। हेलो यस मनीष, हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ सर मैं आपसे शायद पहले भी बात हुई थी मेरी, मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ सर, अच्छा फोर ईयर का एक्सपीरियंस है सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आपसे अच्छा बताया था ना मेरी, हाँ थोड़ा सा उसके टाइम हैक्टिक की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। ओके हाँ तो इस समय सर मैं एक्चुअल में दिल्ली से शिफ्ट होके लखनऊ अपने होम टाउन पे आ गया हूँ। ठीक है अच्छा सर। हाँ कंपनी मैंने स्विच कर दी है, मतलब है कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनी है लेकिन लखनऊ में ही है, कौन तो सी मुझे है? थोड़ा हाँ कंपनी सर है JP कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लखनऊ की लोकल कंपनी है। जानता हूँ अच्छा, ओके सर। मैं लखनऊ की हाँ कोई कंपनी मेरे से आप छोड़ नहीं सकते, मतलब फिलहाल तो इंडिया की बात कर सकता हूँ मैं, बट मैं अच्छा JP जानता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, तो JP कंपनी में अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ सर लास्ट 2 मंथ से। तो एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं स्ट्रक्चर में जाऊँ बीम में। मेरा थोड़ा अंदर से जो मतलब करने का फैशन है वो स्ट्रक्चर प्लस बीम दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में जाने का मन है। अच्छा ये बताइए आपकी, जैसे कि आपको मैं दे दूँ एक सब्जेक्ट सोम और एक जी सब्जेक्ट दे दूँ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है? जी तो आप किसको पहले पढ़ना पसंद करोगे? सर, पहले तो BMC पढ़ेंगे क्योंकि अगर मटेरियल की नॉलेज होगी तो भी तो सोम पढ़ेंगे तो पहले आई आप, थिंक। तो फिर हाँ करेक्ट है, ठीक है? तो अगर आप इसका मतलब आपका रुझान ज़्यादातर BMC मतलब उस पर है, तो मेरा सजेशन रहेगा पहले आप बीम सीखिए तब स्ट्रक्चर सीखिए, ठीक ओके है? अगर आप बोलते अच्छा सोम, तो सोम क्या है मतलब आपको टेक्निकल पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब फिर आपको मैं बोलता कि पहले आप स्ट्रक्चर सीखिए, ठीक है? तो आप पहले बीम सीखिए, बीम सीख अच्छा के आप चाहे तो बीम में जॉब ले लीजिए, क्योंकि बीम में जॉब लेना इजी है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्स। जी जी तो आपके लखनऊ में अभी AV International है,
आपके लखनऊ में एक कंपनी है, आपोजी पालन जी का एक ब्रांच है, वहां पर इन दोनों जी जगह पर भी जी बीम की ओपनिंग चल रही है करेंट में। ओके ओके तो मतलब कैसे होता है कि मैं जॉब की वीडियोस आप लोग अगर देखते होंगे रेगुलर तो जी बनाता जी हूँ, ठीक है, तो जी मुझे सभी कंपनियों के नाम रट जाते हैं, प्लस हमारे बच्चे जब इंटरव्यू देते हैं तो बताते हैं कि सर ऐसा रहा, तो वो भी मुझे एक ब्रेन में मेरे सेट हो जाता है, और ये लगभग रोज होता है। नहीं नहीं तो सर, मैं आपसे काफी टाइम लॉन्ग टाइम से कनेक्ट हूँ, तो आपके मैं अभी तक कोर्स मैंने परचेज भले ही नहीं किया, लेकिन आपके ऐप में जो भी चीजें मतलब फ्री कंटेंट अवेलेबल है इतना मैंने वॉच किया है कि मैं बस थोड़ा आपको बताया था ना टाइम की वजह से थोड़ा सा वो नहीं बन पा रहा, शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा था डेली में। थोड़ा मेहनत कर लो तिवारी जी, क्या होगा हाँ कि भाई हार्ड वर्क के बिना तो सफलता नहीं मिलेगी, नहीं 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 सर, और बस मैंने और सर आपसे एक चीज जो अभी बताई थी, मुझे थोड़ा अपना खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो इसलिए भी मेरा प्लान है, मतलब मैं अगर आपके यहाँ गाइडेंस में रहूंगा, मुझे इतना विश्वास है कि मैं कर तो लूंगा, इतना है अभी मैं कॉन्फिडेंस। आपको बता दूं भी, हम लोग खुद हमारा जो फर्म है प्रोप्राइटरशिप में ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, पर ओके अभी हम लोग ओके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं, तो अभी जी हमारा चल रहा है, हार्डली 1 महीने में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड हो जाएंगे, ओके ठीक है। ओके तो प्लान यही है कि अभी हम लोग प्राइवेट तो ले ही रहे हैं, गवर्नमेंट के टेंडर भी भर के उसके भी प्रोजेक्ट्स लेंगे हम लोग, रेलवे वगैरह के। तो ओके कुल मिला ओके के आपको हमसे जो सीखने को मिलेगा मोर जी इनटू, क्योंकि मैं वो इंसान जो प्रैक्टिकल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप क्लास में आओ तभी, एक नॉर्मल बता रहा हूँ आपको कि हमने सीखा हुआ है कि कंपनी में कैसे जॉब करते हैं, 5 साल पूरा जी दिमाग खराब किया हुआ है, उसके जी बाद अपना खुद का भी किया हुआ है, तो आपको हमसे ओवरऑल मिल जाएगा कि लाइसेंस कैसे बनवाना है, प्रोजेक्ट जी कैसे उठाना है, हर एक जी एक्सपीरियंस अपने पास ऊपर वाले ने दिया हुआ है, स्पेशली अरे सिविल इंजीनियरिंग का, तो आपको सब ट्रेनिंग में मिलने वाला है, ठीक है। ओके तो कोई ओके सर, मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि सर इसके लिए मुझे लैपटॉप वगैरह का थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिए, हाँ क्योंकि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा लेकिन मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया हूँ क्योंकि टाइम की वजह से, तो आप थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता दें कि मतलब कौन सा लैपटॉप ले लूँ जिससे मैं अपना स्टार्ट कर सकूँ एक वर्क। लैपटॉप ले लो एचपी पवेलियन का, ठीक है, अच्छा जी मैं वही यूज कर रहा हूँ, एचपी पवेलियन का है, ठीक है, इसमें ओके 16 GB रैम है, 4 GB जी ग्राफिक्स कार्ड है, गेमिंग अच्छा लैपटॉप अच्छा है, बहुत जी मस्त चलता है, मतलब समझिए कि मेरा लैपटॉप डेली 16 घंटे काम करता है, ओके ओके और मैं कभी 4-5 दिन में एक बार शटडाउन करता हूँ, वो चलता, कुछ ना रेंडर चल रहा है, नहीं तो कुछ चलता रहता है, तो ये समझिए कि हफ्ते में एक दिन बंद होता है, फिर भी ये लैपटॉप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और लगभग 2 सालों से मैं चला रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आप एचपी पवेलियन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, इसका बीम के लिए सर कितना टाइम मतलब चाहिए मिनिमम कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कोर्स पूरा? 4 घंटे मिनिमम, अच्छे से अच्छा टाइम देंगे तो 5 घंटे, अच्छा जिसमें अच्छा 1.5 घंटे आप लाइव दे दीजिए, फिर आप अच्छा फ्लेक्सिबल कभी भी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है कभी भी वॉच कर लीजिए, और दो जी घंटे का प्रैक्टिस कभी भी। अच्छी बात यह है कि आपको रिकॉर्डिंग का सबका मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो हफ्ते में जी कुछ छूटा हुआ है तो उसको आप सैटरडे संडे में बैलेंस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट हफ्ता आपका अच्छा जाए, अच्छा ठीक है, तो वो भी आपके ओके पास एडवांटेज रहता है। अच्छा सर, क्लासेस मॉर्निंग में ही फिक्स है कि इवनिंग में फिक्स है सर? ये पहली जो हमारी लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 7 o'clock पर चलती है, ठीक है, अच्छा तो मैं समझ सकता हूँ लखनऊ में थोड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन नहीं लेकिन आप ये समझिए कि मेरा हार्ड वर्क भी देखिए, रात को 12 बजे मेरा लास्ट सेशन होता है, सुबह नहीं वो 7 बजे सही फर्स्ट बात बैच है, आपके लिए है मजा सर। मजेदार होगा, ठीक है। तो जी सुबह सुबह सर क्या होगा कि सुबह सुबह आपके ब्रेन में एक फ्रेश माइंड पूरी एंट्री हो जाएगी, और दिन भर हाँ आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है सर, मैं ठीक है। बिल्कुल अपने आपका कोर्स स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक प्लान थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं आ पाया, बस मैं स्टार्ट कर दूंगा, है वो पॉसिबल सर? हाँ चलेगा, अपने हिसाब से देखिए मरीज, ठीक है, बट ये जरूर है कि आप मेरे पास आएंगे तो निराश हो कि मैं नहीं जाने दूंगा, ये मेरी जी गारंटी है, बस आप प्रेजेंट रहिएगा। हाँ सर, और एक एक चीज आपसे लास्ट और मैं कहना चाहता हूँ जी सर, मैं मतलब 4 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, तो मैं साइड से अब थोड़ा हटके ऑफिस जॉब में जाना चाहता हूँ थोड़ा सा मतलब, हाँ ऑफिस जैसे मान लीजिए कभी मैं साइड पे नहीं भी जाना चाहता हूँ, ऑफिस में से बीम है या स्ट्रक्चर में, मुझे पता है कि ऑफिस मतलब मैं अगर घर पे रह के भी काम करना चाहूँ तो हो सकता है काम, कोई इसमें साइड पे जाके जरूरी नहीं है जाना। ये एक ही प्रोफाइल है सिविल में ऐसी, जो है जिसका नाम है बीम, जी सर इसमें इसमें कोई फील्ड जॉब है ही नहीं, हाँ जी सर इसमें क्या है आप फॉरेन के प्रोजेक्ट ले रहे हो, यूएस के, यूके के, कनाडा के, बेल्जियम के, जापान के, ये प्रोजेक्ट करोगे आप, तो जी स्वाभाविक सी बात है आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, और ठीक इसका है सर यही बेनिफिट है कि आप बाद में अपना खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, बस क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद में, प्रोजेक्ट्स को यस हैंडल करने के आइडिया होने के बाद में बस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू, मैं स्टार्ट करता हूँ उसको जल्दी बिल्कुल से बिल्कुल, जल्दी। मेरे टीम का नंबर आपके पास जहाँ तक होगा, ये मेरा भी होगा, ठीक है, हाँ नहीं आपका नहीं भी होगा, आपसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी हूँ सर। अच्छा ठीक है, चलेगा ठीक बस, है सर, ओके ओके थैंक यू सर। ओके।
परवेश सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? परवेश सिंह का भी क्वेश्चन सुन लिया जाए, सभी लोग अपने क्वेश्चन पूछ लो भाई, अब आप आए हो, अपने 1 घंटा समर्पित किया है तो अपना बेनिफिट उठाइए, आप पूछ लीजिए सभी लोग क्वेश्चन। परवेश सिंह, सिंह इज किंग। हेलो यस हेलो सर, गो। हेलो जी, हेलो सर, मैं एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा हूँ सर, करेक्ट 1.5 ईयर हो गया है सर। करेक्ट तो मैं अब बीम रेविट में जाना चाहता हूँ सर, तो इसमें सर क्या 5 ईयर के बाद क्या सैलरी रहता है और क्या मतलब फ्यूचर कैसा रहता है सर हाँ वो, भाई, क्योंकि एज ए फ्रेशर हूँ मैं सर। मैं बताऊँ तो मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो 70,000 जी थी 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे, ठीक है। ओके सर, बट मेरे बहुत गलतियाँ थी मेरे करियर में, गलतियाँ ये थी कि मैं पहले स्ट्रक्चर्स में गया, फिर भी गया, फिर इधर उधर, मेरा मुझे नहीं पता था प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बट ये आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप 5 ईयर के एक्सपीरियंस करेंट मार्केट में है आप, तो आप ओके 10 लाख के आसपास रहेंगे, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी रह सकते हैं करेंट मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो 10 लाख का पैकेज आप एज्यूम कर सकते हैं, बट ये उनके लिए है जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहे, ठीक है। अभी आपने ओके देखा सर, कि एक आपको ये स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया ना उनके दोस्त का जो पैकेज था 40 लाख का पैकेज था, मैंने बोला ये कम था क्योंकि उस एक्सपीरियंस में उनको 50 के ऊपर मिल सकता है। तो मतलब बीम में पैकेज की प्रॉब्लम नहीं है, रीजन ये है कि ओके फॉरेन के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर रहे हो, यही इंडिया के प्रोजेक्ट करते तो मैं बोलता कम रहेगा, क्योंकि पैसे कम मिलेंगे तो कम देंगे। क्योंकि सर साइट इंजीनियर में तो एक्सपीरियंस के साथ सैलरी ग्रो करती है, साइट इंजीनियरिंग तो में सैलरी एक के बाद एक एक टाइम के बाद स्टक हो जाती है। जी आप किसी से जी पूछोगे, मेरे कई मेरे मेरे साथ के भी तो दोस्त होंगे ना, अभी मेरा 8वां साल चल रहा है, तो वो लोग जो जॉब कर रहे हैं 50 के अंदर में सब बुक हो गए हैं, ठीक है। तो ओके किसी से बात करोगे, कितना भी एक्सपीरियंस हो पूछ लेना, ठीक है, उनसे पूछोगे कोई गिन के बताएगा कि मेरे 50 के ऊपर जा रहा हूँ, अदरवाइज कांटा 50 के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसके आगे ग्रोथ होना उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लकली बहुत अच्छी कंपनी में तो एक अलग बात हो सकती है, अपवाद हो सकता है, बट लाइक साइट पर एक टाइम के बाद ग्रोथ फिक्स होना है, ये जान लो। अभी जो तुम्हारी सैलरी होगी वो ओके 20 के अंदर ही होगी, जहाँ तक है 20-25 के हाँ आसपास सर, होगी ना, हाँ सर 20 के अंदर ही है सर। हाँ। तो ऐसे ही होता है इसमें, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप 50 के आसपास फंस जाओगे फिर आगे नहीं जाओगे, जैसे कि टीचिंग प्रोफाइल है, अब आपके जितने प्राइवेट यस कॉलेज के टीचर हैं 50 के अंदर ही रहेंगे, चाहे जितने एक्सपीरियंस हो गए हो, एचओडी छोड़ दो किसी कॉलेज में यस प्राइवेट सर, में, ये फैक्ट है, तो इसको आप मान के चलिए कि यहाँ पर स्टक हो जाती है सैलरी, ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। अनु कुमारी कुछ पूछना चाह रहे हैं फिर से? बिल्कुल पूछिए अनु कुमार, अनु आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। और किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न का सवाल मैं ईमानदारी से आपको दे पाया हूँ। धन्यवाद, आप सबने समय दिया पहली बात तो गाइस, और दूसरी चीज़ ये कि कल भी हम, क्योंकि संडे को मैं ज़्यादातर फ्री रहता हूँ, तो कल भी एक Q&A सेशन रखेंगे, तो किसी का सवाल अगर अंदर दब गया है तो बिल्कुल परेशान मत होना, कल भी लगभग सेम टाइम पर वेबिनार होगा। फिर भी ये मोहित अहमद का क्वेश्चन है ले लेते हैं। यद मोहित अहमद बताइए, अहमद जी आपका कोई क्वेश्चन है? और मोहित अहमद अपना क्वेश्चन पूछ लो भाई, हैंडरेज बार बार हो रहा है हेलो क्वेश्चन का। सर, हाँ जी, एक्चुअली आई रोट इन मैसेज सर। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट चेक नाउ। वेयर लाइक, यस गॉट इट, आई बड़ा लंबा मैसेज कर दिया तुमने। अच्छा, तुमने बोला, मैंने बोला यस श्योर, बताता हूँ। इफ यू सर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेक कम्युनिकेशन अबाउट द अदर प्लेटफॉर्म, टोटली आई एग्री। अच्छा आप एग्री हैं, धन्यवाद सर। यू सेड ऑल्सो दैट यू आर गोइंग टू कम्प्लीट अबाउट द 80-90% अकॉर्डिंग टू यू, देन आई एम कैपेबल टू गेट जॉब एटलीस्ट 4 to 5 lakh पर एनम, प्लीज एक्सप्लेन क्विकली। यस डेफिनेटली, ये मैं कमिट कर सकता हूँ आपको। आपको एक्सपीरियंस कुछ है क्या पहले से? वही दमत पहले से कुछ एक्सपीरियंस? एक्चुअली सर, करंटली आई एम वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर। व्हाट सैलरी यू आर टेकिंग एंड हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव? व्हाट सर? What experience you have and what package you are taking right now? I have experience of at least 1.5 years and my package is around 25K per month. आप 5 के आसपास पहुंचोगे, जहां तक है आपका पैकेज लगेगा 4.8 का, जैसे आप जानते हो मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, तो ये क्लियर है।
और अगर आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप 4.2 के आसपास ही रह जाओगे। अगर कम्युनिकेशन अच्छा रखे तो 4.8 आपका बेंचमार्क रहेगा। कभी भी सैलरी का एक स्टैंडर्ड होता है ना, अचानक से कोई इकट्ठे नहीं दे देगा, ठीक है, सैलरी हमेशा स्टेप वाइज जाती है। तो 4.8 का बेंचमार्क आप लेके चल सकते हैं। मेरा कहना रहेगा कि 4.2 से 4.8 मिलेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। मल गया तो आपका लक है, मुझे पार्टी दे देना, ठीक है, लेकिन यही एवरेज पैकेज रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, देखो गाइस, मैं हमेशा जो मुझे मेरे ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं, जेन्युइन आपका जो रहेगा वही बताऊंगा। मेरे को आदत नहीं है वो बड़ी बड़ी चीजों गलत बोलने की, ठीक है, बोलने को मैं 5-6 बोल दूं क्या फर्क पड़ता है, बट वो गलत होगा ना। कल को मोहित अहमद सोचेंगे यार सर ने कुछ और बोला था, मुझे बिल कुछ और रहा है, राइट अहमद? ठीक है, यस यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एज वेल। योर प्रीवियस पैकेज एंड एक्सपीरियंस, यही दो चीज मैटर करेगी, दोनों मैंने पूछ लिया उसके हिसाब से बता दिया। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष तिवारी जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं शायद। हेलो जी तिवारी जी, बताइए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अगर बीम या स्ट्रक्चर्स में जाना चाहता हूँ, तो क्या जैसे आपका आपके ऐप में एक कोर्स है MSP का, ये माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग, तो क्या ये कोर्स करना जरूरी है क्या? मतलब MSP का कोई कोर्स नहीं है, एक एक लेक्चर मैंने दे रखा है बस, इंट्रोडक्शन। अच्छा सॉरी 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 सर, MSP का आप में नहीं, किसी और ऐप में देखा है, तो मतलब क्या, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। तो क्या सर मतलब ये जरूरी है क्या करना है MSP का, प्लानिंग इंजीनियरिंग का कोर्स? अच्छा अच्छा नहीं, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपको एक्सेल शीट खुद ही देगा ना, CM, CM जी जी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वो उसका काम है, मेरा काम थोड़ी है, वो आपको देगा, उस फाइल को हम इंपोर्ट कर लेंगे, नेविसवर्क में काम करेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है इससे, हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई सेंस ही नहीं है उसका। ठीक प्लानिंग ठीक इंजीनियर अलग प्रोफाइल है ना, तो उनका काम उनको करने दो, तो अपना काम करो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, अनु कुमारी कुछ फिर से पूछना चाह रहे हैं। यस पूछिए अनु कुमारी भाई। अमर कुमार हूँ, मेरा नाम अमर कुमार है, गलती से अनु कुमारी हो गया। ओके अमर जी, नो ओके ओके आई एम सॉरी गलत नाम लेने के लिए, बट जो लिखा था मैंने वही। हाँ आपसे, मेरे से गलती है, कोई बात नहीं अमर सर। मैं जीरो हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है अभी तक, करेक्ट, ऑटो कैड भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पास आउट क्या आपका है? आपका अभी कॉलेज स्टूडेंट है, बीटेक लास्ट ईयर, 1 साल बचा हुआ। बीटेक लास्ट ईयर में, तो आपके पास तो टाइम है, तो पहली बात तो ये मत बोला करो कि मुझे कुछ नहीं आता, आता बहुत कुछ है, समराइज नहीं है, ठीक है, इकट्ठा नहीं है, तो ऐसा बोलोगे ना तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुमने मेरा 1 घंटे का लेक्चर देखा, इसमें ये तो सुना होगा ना कि बी में क्या क्या सीखना चाहिए, ये तो सुना ना, तो तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसे कैसे बोल सकते? तुम्हें तो ये पता है कि क्या क्या आना चाहिए, अभी भी मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है, थिंक पॉजिटिव। तो तुम्हें आता है, क्या आता है कि बीम की जॉब के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, तुमने अभी अभी सीखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर तुम इस माइंडसेट से आओगे तो यहाँ पर डेली सीखोगे, और जब डेली सीखोगे तो थोड़ा 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 करते ना, कि कंकड़ कंकड़ से घड़ा भर जाता है ना, तो आपका धीरे धीरे करके बहुत ढेर सारा कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसको आने के बाद अमर आराम से आप कंपनी में जाएंगे। हाँ कंपेयर टू अदर पर्सन, अगर आपका लैपटॉप में हाथ सेट नहीं है, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, लगने दो ज्यादा टाइम, बट वो ज्यादा टाइम आपके करियर को तो बना देगा ना। तो आप ऐसा सोचो, इस मत सोचा करो कि मुझे कुछ नहीं आता, क्यों नहीं आता हमको, हमने 7 सेमेस्टर पास किए तुमने कैसे बिना नॉलेज के, कुछ तो पढ़ा, एक लाइन तो पढ़ा है, एक लाइन मुझे आता है सिविल इंजीनियरिंग का, खत्म, ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव, और दूसरी चीज हम यहाँ पर लिस्ट दे देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उस लिस्ट को आप लिख लेंगे तो ऐसे ही आपको दिखने लगेगा मुझे ये चीज आती है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे उसका भी लिस्ट देंगे आपको, क्वेश्चन बैंक देंगे, अब पढ़ लीजिए आप, क्लियर हो गए। प्रैक्टिस कंपेयर टू अदर लोग, आपको 1 घंटा ज्यादा करना पड़ेगा, ये लिख ले लीजिए बस, क्लियर है सर। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ना, सुबह7 बजे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8.30, क्योंकि सबका 9 बजे के बाद जॉब होता है, किसी के जॉब को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अपनी नींद को डिस्टर्ब करके सुबह 7 बजे लेक्चर रखा हूँ, ठीक है, सुबह माइंड फ्रेश रहता है, यस, तो इसलिए ये रखा हेलो सर आपको। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ओमकार बोलो ना, कैसे सर, हो सर? मैं ओमकार बोल रहा हूँ। हाँ ओमकार सर, इन अभी जो बात कर रहे थे उनका नाम क्या बोला सर? अमर जी, अमर जी,
अमर क्या हेलो अमर ओमकार हेलो बोलना चाह सर रही है हमारे स्कूल बैठे। अमर जी, मैं 1 साल हुआ सर जी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी सेम आपके जैसे ही था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा, मतलब ऐसा टॉपर्स में से नहीं था, 50% 40% इनमें से था। मैं 22 का पास आउट हूँ मैं, लेकिन अभी मेरा 4.8 का पैकेज चल रहा है मुंबई में। मैं विकास, एमडी कला, एक साथी बाहर एक निकले एक हैं साल अभी के एक एक्सपीरियंस एक का हाँ 1 साल पे एक्सपीरियंस पे। अभी हम एक साथ ही थे, मेरा अभी हाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन अभी भी थोड़ा सा वीक है, मैं अभी क्लासेस लगाया हूँ, नहीं तो मैं भी अभी पिनेकल में होता कोई सर। बात नहीं, अगला अभी अगला है वो। अभी मतलब अभी हमने ठाना ही था, जब हम कोलकाता में थे हम सब लोग, तो हम ठाना था इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उस पे, लेकिन मैंने विकास लेकिन कलाम ये मैंने बोला शुभम था यस सर, आपने क्लासेस भी बोला था, क्लासेस इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करो, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलती की, अभी कोई याद आ नहीं, रहा है सर ने बोला था वो ज्वाइन करता तो अच्छा लेकिन होता। तुमने जो बेंचमार्क सेट किया हो यार, मेरे तो उससे अभिषेक से बात हुई थी, तो हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर हाँ रहे थे। मैं जानते हुए किसी को बोलता तो हूँ नहीं, तो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, हाँ उन्होंने बोला कि सर मेरे से कांटेक्ट में है ऐसा करके, तो मैं हाँ तुम्हें मैं मैसेज करने वाला था पॉडकास्ट के लिए, तो मैं सोचा कि कल ओके करता हूँ, तो अभी पॉडकास्ट भी करने वाले, तुम्हारे साथ भी करना है पॉडकास्ट, तो आज भी कर किया दो लोगों जी का, जी सर ठीक है, अभी पॉडकास्ट करके रख दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके आता रहेगा पॉडकास्ट। तो फिलहाल जी अभी सर जी देखो, सर अभी मैं ओमकार से बड़ा रिजल्ट क्या दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है। ओमकार खुद एसेट सर कर मैं रहे भी हैं। ऐसे ऐसे ऑफिस से आया तो हाँ आपको हाँ ग्रुप का मैं लिंक देखा मैसेज का, तो ऐसे ही देखा अच्छा कि मीटिंग में क्या चल रहा है, तो आपका मतलब शायद अभी हाँ पता नहीं है कि शायद ले क्या चल रहा हाँ है कर इधर, लेकिन अगर कोई इधर स्टूडेंट्स मतलब सब स्टूडेंट्स है ना सर इधर, हाँ लगभग सब स्टूडेंट्स ही है, एक दो लोग अपने बच्चे अच्छा हुए तो हैं। उनको वो बात एक बात बताना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ 4 4 मंथ या 3 मंथ सर को दो दो और आप रिजल्ट देखो क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है क्या होता है, मतलब हम अभी अब पहले नहीं सोच सकते थे कि हम इतना भी पैकेज हो सकता है हमारा, लेकिन अब हम जो फ्रेंड्स कलीग्स है अभी पूरा एक्सपेंड हो गए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम इतना पैकेज पे हम अभी जॉब कर देखो भाई, रहे ये दिल का प्रमोशन है ना, मैंने इनको बुलाया है, ठीक है, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ये डर नहीं है कि लोग आके क्या बोल देंगे, मुझे पता है कि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो अभी क्या बोलूँ, इसमें बहुत इमोशनल हो गया मैं भी। थैंक यू ओमकार। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, हाँ जी सर एक्चुअली मेरे को जॉब तो करनी है सर, लेकिन सिविल में क्या होता है कि मेरे फ्रेंड जो हैं एज ए साइट इंजीनियर, कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई गुजरात में कर रहा है, लेकिन वो रहने वाले दिल्ली में है या नोएडा में है। सो मैं सर नोएडा में रह रहा हूँ, तो मेरे को मतलब नोएडा और गुड़गांव और दिल्ली मतलब यहाँ पे कंपनियां अच्छी हैं सर। लगभग 65 कंपनी है, 65, ओके सर जी 53 कंपनीज पुणे के अंदर है। मैं पूरी रिसर्च रखता हूँ, ठीक है, किस जगह पर कितनी कंपनी, में पर्टिकुलर सिटी बता दूंगा, किस सिटी में कितने कॉलेज है, मैं उसका आपको डिटेल बता दूंगा, तो हमारा पूरा होमवर्क रहता है, ठीक है, तो आप कंपनी का टेंशन मत लो, कितनी कंपनी आज रजिस्टर्ड जी होंगी वही मुझे पता चल जाता है, आपको सिर्फ नॉलेज का टेंशन लेना है कि नॉलेज बेस्ट होता जी है, ठीक है, नॉलेज ऐसी रखो। अब देख लो, ओमकार ने खुद बताया ना, 1 साल के अंदर बेचारे का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तब ये 4.8 पर है, आप इमेजिन हाँ यस सर यस करो, इमेजिन करो, सर नहीं तो कहाँ जाता। सर अभी वही चल रहा है पिनाकल निलसॉफ्ट, नहीं तो बाहर के अभी बाहर के ही देखेंगे, अभी 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 छोटी कंपनी नहीं नहीं देखेंगे, अभी क्योंकि अभी कोशिश कोमिक करो, मुझे अभी एक ही खत है कि मुझे अभी कम्युनिकेशन के बाकी हम जो आपने सिखाया वो बहुत प्रॉपर यूज हो रहा है मेरा, लेकिन कम्युनिकेशन पे मैं अभी फोकस डालूंगा, तो मैं अभी एमएनसी पे फिक्स जाऊंगा, मतलब अभी भी एमएनसी भी हूँ, हाँ लेकिन मुझे चाहिए पिनाकल निलसॉफ्ट या बाहर दुबई ऐसे चाहिए मुझे। वी कंस्ट्रक्ट को भी दिमाग में रखो, क्योंकि पैकेज के मामले हाँ में हाँ हाँ सर वी कंस्ट्रक्ट भी है आओ कि आप तो तुम मुंबई आ गए हो, आप पुणे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं और बाकी आप तो कैसे पुणे हैं? से ही हूँ हाँ, पुणे सर से तुम हो। और दूसरी चीज क्या है ना, कि एक कनेक्शन का फायदा मिलेगा, जो लोग वहां हाँ ये गए बात हैं तो है सर, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, बस इंटरव्यू देना है, तुम्हें क्या टेंशन ये बात तो है सर, अगर यूनिक सिविल का अगर कोई बंदा हो मतलब हर कंपनी में, तो हम एक अपने यूनिक सिविल के बंदे हैं, अगर हाँ उनको बोल दे हम यूनिक सिविल से, वो शॉर्टलिस्ट पहले होता है हाँ सर अरे वो आज पहले उस सर मतलब शॉर्टलिस्ट हो नहीं होता था, लेकिन अभी हाँ इतना शॉर्टलिस्ट हो रहा है कि
अभी बोल लेते सर, नहीं अभी जॉब लग गई है। अरे आज का आज मजा आ गया, पता क्या हुआ, जो पॉडकास्ट आज का रिकॉर्ड करा था पॉल के साथ, वो बोलता है कि सर एक जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने देखा, हाँ तो उन्होंने देख के बाद बोला अच्छा आकाश पांडे सीखते हो क्या, बोले हाँ, तो जो इंटरव्यूअर था बोला मैंने उनसे टेकला सीखा हुआ है। मैं कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो उसका सिलेक्शन हो गया उसी समय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो भी मेरा स्टूडेंट निकला, इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू लेने वाला भी, मैं कहा भाई तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो होने वाला है फ्यूचर में तो ऐसे ही हो, कुछ होगा कि मतलब भर जाएंगे धीरे धीरे लोग, आप ही लोग भरोगे, मैं थोड़ी भरूंगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होगा कि लोग नाम देख के अगर एंट्री कर ले, कई जगहों पर हुआ है, मैं लखनऊ के लिए कोई था ना, यहाँ पर तिवारी था क्या, तिवारी गया क्या, ठीक है, लखनऊ के लिए, लखनऊ में एक ऐसा हुआ था गैस कि सिर्फ उन्होंने ये देखा था कि आप ट्रेनिंग कहाँ से किए हो, इसके बेस पर उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया था, और उन्होंने बस ये बोला कि अच्छा आपने यहाँ से सीखा हुआ है तो ओके ठीक है, फिर आपने अच्छा ही सीखा होगा, क्योंकि वहाँ का एक एक्स एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके रेपुटेशन से नए एम्प्लॉय को हायर कर लिया। तो मैं यही देखना चाहता हूँ, और मेरा जो एम है वो यही है गाइस, ठीक है, यही एम है कि आप कहीं पर भी जाओ एक रेपुटेशन के साथ जाओ, ठीक है, मुझे अपना मुंह न छिपाना पड़े, आपको अपना मुंह न छिपाना पड़े, बड़े कॉन्फिडेंस से जाओ, समझ गए अमर, यस ठीक है। अब तुम्हें इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल सकता, तुम्हारा सीनियर सुपर सीनियर तुमको बता दिया, ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सबने समय दिया, और क्या बोलते हैं, आप बहुत टेंशन फ्री होकर आराम से आ जाइए, ठीक है, ओमकार अबो शाम ये सब हमारे जितने अच्छे स्टूडेंट हैं खुद ही बता रहे, तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं खुद से बोलूँ तो वही हो जाएगा कि अपने मुँह से बड़ाई करने वाला इंसान छोटा होता है, तो मैं नहीं करूँगा, आप आएंगे 4 महीना देंगे, आप खुद उसके बाद बोलेंगे, एंड क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट हमारे देखते रहिए आप लोग, आए या ना आए, यूनिक सिविल से जुड़े रहिए, बस एज ए फैमिली सीखते रहिए कुछ ना कुछ। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल भी, फिर से मिलूंगा कल, कैसे कि कल संडे का, आज लोग कुछ लोग का वर्किंग रहता है, प्लस कल मुझे थोड़े से कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं, और तो कल भी करूंगा, तो जो समय रहिएगा तो आज लगेगा, आप लोग भी इंजॉय करिएगा, ठीक है, चलो बाय बाय सबको, गुड नाइट, थैंक यू सो मच आप लोगों ने समय दिया इसके लिए, किसी को कोई गुड नाइट प्रश्न रहा सर। तो नहीं, गुड नाइट जी, गुड नाइट ओंकार, चलो किसी का कोई प्रश्न रहा तो नहीं गया भाई, कि रात को सोचते रहे कि अरे यार ये क्वेश्चन भूल गए।